नहमदन आ रसूल करीम अम्माबाद औरजबिल्लमिन शैतानरजीम बसमिल्लर रहीम आज की इस बाबरकत मजलिस में मैं रहमान नदवी आप तमाम हजरात का पुरतपाक इसबाल करता हूँ असलकमल वबरकू ख़वान हजरात प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से होगा इसके लिए मैं इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल मुंबई के उस्ताद क़ारी मुस्तकीम अंसारी से गुजारिश करूँगा कि वो कुरान पाक की तिलावत से जलसे का आगाज़ करें जल्ला खैरन कारी साहब आप अभी क़ारी साहब से कुरान पाक की सूर सूर्य हिजर सुर नंबर पंद्रह आयत नंबर सोलह से पच्चीस तक की आयतों की तिलावत समात फरमा रहे थे आइए हम उनका तर्जुमा सुनते हैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसे सजा दिया गया है और उसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है हाँ मगर जो चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे उसके पीछे दहकता हुआ शौला लगता है और ज़मीन को हमने फैला दिया है और उस पर पहाड़ डाल दिए हैं और उसमें हमने हर चीज़ एक मुन मकदार से उगा दी है और इसी में हमने तुम्हारी रोज़ियाँ बना दी हैं और जिन्हें तुम रोज़ी देने वाले नहीं हो और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ख़ज़ाने हमारे पास हैं और हम हर चीज़ को उसके मुकर अंदाज से उतारते हैं और हम भेजते हैं बोझल हवाएं फिर आसमान से पानी बरसाकर वो तुम्हें पिलाते हैं और तुम इसका जखीरा करने वाले नहीं हो हम ही जलाते और मारते हैं और हम ही बिल आखिर वारिस हैं और तुम में से आगे बढ़ने वाले और पीछे हटने वाले भी हमारे इल्म में हैं आपका रब सब लोगों को जमा करेगा यकीनन वह बड़ी हिकमतों वाला बड़े वाला है आयतों के तर्जुमे के बाद अब मैं आपके सामने पूना की एक मशहूर शख्सियत को दावत सुखन देने जा रहा हूँ जिनकी खिदमत का दायरा काफ़ी वसी है और इस प्रोग्राम को तरतीब देने में आपकी नुमाया महनत रही है मेरी मुराद है जनाब पे इनामदार से पे इनामदार की शख्सियत बहुत मरूफ है और ख़ासकर ताली मैदान में आपने उम्मत मुसलमा के लिए बड़ा नुमाया रोल अंजाम दिया है आप कई अहम शोब तलीम से मुलक इदारों में बहुत सारे अहम अहदों पर फायज़ हैं ख़ास तौर पर सदर महाराष्ट्र कास्मोपोलिटिन एजुकेशन सोसाइटी पूना सदर महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर पूना सदर पी एमदार एजुकेशन ट्रस्ट पूना मंबर कौमी कौनसिल बरए फ़रोग उर्दू ज़बान मंबर मैनेजमेंट कौनसिलदर्द यूनीसिटी दिल्ली मंबर मैनेजमेंट कौनसिलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेंबर सीनेट जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी नई दिल्ली इसके अलावा आपने समाजी शोबे में भी एक अहम किरदार अदा किया है आप यतीम खाना अंजुमन इस्लाम मुंबई और तिबिया यतीम खाने के ट्रस्टी भी हैं आप महाराष्ट्र स्टेट माइनॉरिटी कमीशन मुंबई के रुकन भी रह चुके हैं आप अगरचे कानून की कोई डिग्री नहीं रखते मगर इसके बावजूद आपको कानूनी मसाइल हल करने में खास तौर पर तालीमी इदारों के मसाइल हल करने में इम्तियाज़ हासिल है ये इनामदार साहब के ताल्लुक से मैंने तारुफ में वक्त की कमी की वजह से इख्तिसार से काम लिया है वरना आपकी तालीमी और समाजी ख़िदमात को इतने कम वक्त में आप हजरात के सामने रखना बड़ा मुश्किल काम है मैं उनको ये शेर पढ़ते हुए दावत सुखन देता हूँ कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पर पहुँचते हैं दो एक लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पर पहुँचते हैं दो एक ए अहले ज़माना क़द्र करो नायाब न हों कमयाब हैं हम पीए इनामदार साहब तशीफ लाएँ और अपने कीमती और मुफीद मशवरों से हम साम को महजूस फरमाएँ पीए इनामदार साहब आली जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के सभी जिम्मेदारान इस महफ़िल में जाकिर नाइक साहब को सुनने के लिए इस्लाम के बुनियादी उसूलों को समझने के लिए दुनिया के दूसरे मजहबों के साथ इस्लाम के उसूलों को पहचानने के लिए इस कैंपस में आए हुए सभी नौजवान बुज़ुर्ग भाइयों बहनों और साथीदारान पूना के लिए यह खुशकिस्मती है कि डॉक्टर नायक आज और आज से तीन दिन तक हमारे बीच होंगे और आप तक अपने ख्यालात पहुंचाने का काम करने वाले हैं सबसे पहले पूना वालों की तरफ से आज़म कैंपस के तरफ से मैं उनका उनकी सभी साथीदारों का दिली इस्तबाल करता हूँ हम खुश नसीब हैं कि इंटरनेशनल स्कॉलर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ साथ ही साथ इंटरनेशनल स्कॉलर ऑफ कंपेरेटिव रिलीजन ऐशी शख्सियत हिंदुस्तान में बसती है दूसरी बात वो हमेशा आज़म कैंपस से यहाँ के ज़िम्मेदारों से वाबिस्त हैं तीसरी बात वो पूना से घर के फैमिली के वजह से भी जुड़े हुए हैं और मैं जानता हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक ऐसा चेंज इस्लाम के टीचिंग के ज़रिए इस मुल्क में और सारी दुनिया में लाया हुआ है इससे पहले हम लोगों ने इतने बड़े मजमे सिर्फ़ जज्बाती बातों के वक्त में देखे हैं दिमाग की बात हो तालीम की बात हो और इतने बड़े पैमाने पर नौजवान डॉक्टर नाइक साहब को सुनने के लिए आता है मुझे लगता है डॉक्टर नाइक साहब ने अपने स्टाइल के वजह से अपने तरीकेकार के वजह से सबसे पहले जो चेंज लाया है वो ये है कि अमन के ज़रिए तालीम के ज़रिए जज्बात को दूर रख कर भी हम लोग दूसरे मजहब के लोगों के साथ उन्हीं के ज़बान में उन्हीं के स्क्रिप्चर के साथ कायम कर सकते हैं और मुझे लगता है इस मुल्क की जो बुनियादी कल्चर है जो बुनियादी तहजीब है उस तहजीब से कुछ लोग और ख़ास करके पोलिटिशन इस मुल्क को दूर लेके जाना चाहते हैं ऐसे वक्त में डॉक्टर नायक साहब ने अपने नॉलेज से अपने एक नए तरीकेकार से और साथ, साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस तरीकेकार के साथ में जोड़कर एक नया रेवोल्यूशन लाया हुआ है उनका यह कहना है कि अल्लाह अगर एक है ईश्वर अगर एक है गॉड अगर एक है तो उसके पैगाम अलग अलग नहीं हो सकते उसका पैगाम भी एक है और उस एक पैगाम को सभी स्क्रिप्चर्स में सभी रिलीजियस बुक्स में ढूंढकर एक जगह लाकर उसकी एक जहती का एग्जाम्पल देने का काम आप कर रहे हैं उन्होंने वक्त के हालात को समझ लिया है आज का नौजवान तालीम याफ्ता साइंटिफिक टेम्परामेंट रखने वाला और लॉजिक को समझने वाला है वो कोई भी ऐसी बात को मानने को तैयार नहीं है जो साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं की जा सकती लॉजिक के साथ वो समझाई नहीं जा सकती ऐसी बातों को वो समझने के लिए तैयार नहीं है इस्लाम के बुनियादी उसूलों में भी एक ये उसूल है कि अगर आप कुछ कहते हैं तो उसका प्रूफ दीजिए और प्रूफ ऐसा दीजिए कि वह साइंटिफिक एनालिसिस में प्रूव हो सके और मुझे लगता है इस चीज को बेहतरीन तरीके से समझकर और उसी को बुनियाद बनाकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपना एक ढंग अपना एक स्टाइल शुरू करते हुए मासेस तक पहुंचने का तरीके का इख्तियार किया है नॉलेज को शेयर करना नॉलेज को बढ़ाना है और मुझे लगता है कि इस मुल्क में अगर अमन है बहुत छोटी मोटी घटनाओं को छोड़कर 99.9 परसेंट इस मुल्क में अमन है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस मुल्क में जितनी मुस्लिमों की हालत अच्छी है दुनिया के दूसरे मुल्कों में नहीं है और हिंदुस्तान के दस्तूर में हम लोगों को सभी कौमों के साथ बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ने का मौका दिया गया है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब आपने सभी मजहब के लोगों को अमन का पैगाम दिया है उनके साथ आप मिलकर बड़े बड़े मजमों में बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से उनके ही स्क्रिप्चर को साथ में रखकर सामने रखकर बात करते हैं और मुझे लगता है इस मुल्क की तहजीब के साथ जोड़कर इस्लाम की फिलॉसफी को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को सुनता है वो अमन को छोड़कर दूसरा कोई रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता और अमन के रास्ते पे चलने के लिए इस्लाम की बुनियादी उसूलों को आगे बढ़ाने के लिए और इसी के जरिए एकजहती का पैगाम देने के लिए आज डॉक्टर जाकिर नायक साहब पूना आए हुए हैं वो पुणे आते रहते हैं और हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने तीन दिन का प्रोग्राम यहाँ पे दिया है मुझे लगता है कि इन तीन दिनों में हम लोग इतना पास चाहेंगे कि आने वाले साल दो साल तक अगर हम सिर्फ उसको सोचते रहें उसको एनालिसिस करते रहें और अगर हम उस पर अमल भी करते रहें तो हमारी पॉलिटिकल, सोशल रिलीजस एंड फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी और यही हमारा मकसद है इस कैंपस को इस्टेब्लिश करने के पीछे और इस कैंपस में जो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसके भी पीछे हमारा यही मकसद है कि मिलकर सारे कौमों के साथ इस मुल्क को आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ इस्लाम के उसूलों को दूसरे मजहब के उसूलों के साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर जो कॉमन थिंकिंग है उस कॉमन थिंकिंग को आगे बढ़ाना ये हमारे कैंपस का मकसद है और इस मकसद को पूरा करने का एक स्टेप हमने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को यहाँ पे बुलाकर पूरा करने की कोशिश की है मैं आप सब लोगों की तरफ से पूना वालों की तरफ से डॉक्टर झकिर नायक साहब और उनके सभी साथीदारों का फिर एक बार इस्तबाल करता हूँ खुशा मदीद कहता हूँ वेलकम करता हूँ और मैं आपके रजा लेता हूँ जय हिंद शुक्रिया पी इनामदार साहब आप हजरात अभी आज़म कैंपस के रूह रवान जनाब पी इनामदार साहब के ख्याल समात फरमा रहे थे अब मैं आप हजरात के सामने हमारी इस बज़म के मकर जिनको आप सब हजरात सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं मैं उनका एक इंतहाई मख्तर तारफ़ आप हजरात के सामने पेश करता हूँ आज की हमारी इस बज़म के जो मकर हैं वो डॉक्टर ज़ाक़िर नायक साहब हैं डॉक्टर जाकिर नायक न ना सिर्फ एक बेबाक बैन अवी दाए इस्लाम बल्कि मजाहब के तकाबी मुताले में आपका कोई सानी नहीं है आप पेशे के अतबार से एम बी बी एस डॉक्टर हैं डॉक्टर जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन मुंबई के सदर हैं इस्लामी नज़रियात की पासबानी के अलावा आप इस्लाम के मतलब फैली हुई गलत फहमियों को कुरान हदीस और दीगर मजाहिब की मुक़दस किताबों के हवालों से मनतकी दलाइल और साइंसी हकायक के जरिए दूर करने में काफ़ी महारत रखते हैं आप अपने तनकीदी तजियो और आवामी तकरीरों के दौरान हाजरीन की तरफ से किए गए सवाल के मुदल और तशफ़ी बख्श जवाब के लिए सारी दुनिया में जाने जाते हैं आपने गुज्त दस बरसों में दुनिया के बहुत से ममालिकमेरिका कनाडा यूके, सऊदी अरबिया मुतह अरब इमारात कोत क़तर बहरेन ओमान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका और दूसरे मुल्कों में एक हज़ार से जायदी तकरीरें की हैं इसके साथ साथ हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में भी आपने बहुत सारी आवामी तकरीरें पेश की हैं खास तौर पर बंगलौर में आपने इक्कीस जनवरी सन दो को एक बड़ी तारीख़ साज तकरीर की थी जो श्री श्री रवि शंकर के साथ हुई थी यह एक मुबासा था जो लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था और इंतहाई कामयाब रहा मशहूर आलमी दाए इस्लाम व माहिर तबुल मजहब शेख अहमद दीदात ने डॉक्टर जाकिर नायक को सन उन्नीस सौ में दीदात प्लस कहा था और सन दो हज़ार में डॉक्टर जाकिर नायक को दावत इस्लाम और मताल तकबले अदियन के मैदान में उनकी खिदमत को सराहते हुए उनको एजाज से नवाजा और कहा बेटे तुमने जो काम चार बरसों में किया है उसको पूरा करने में मुझे चालीस साल लगे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने दावती मैदान में अपना एक मुनफरद और नुमाया मकाम हासिल किया आपने मौजूदा जरा अबलाग यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपना कर दावती कामों को ज़बरदस्त तरक्की दी और पीस टी वी इसी फिक्र का नतीजा है पीस टी वी अब दुनिया भर के एक सौ पचास से भी ज़्यादा मुल्कों में देखा जा रहा है और मुस्लिम समाज की असलाह और गैर मुस्लिमों में इस्लाम के मुतालिक फैली हुई गलत फहमियों को दूर करने और इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने में काफ़ी मुसर साबित हुआ है दुनिया के एक सौ पचास से ज़्यादा मुल्कों में बिला नागा डॉक्टर जाकिर नायक की तकरीरों को बैन अवी टी वी चैनलों पर पेश किया जाता है उम्मत मुसलमा के मसाइल के हल के लिए आप हमेशा फिक्रमंद रहे हैं और इसीलिए आज के हालात को सामने रखते हुए और मुसलमानों की माशी बदहाली से मुतासर होकर आपने इस साल एक बैतुलमाल भी कायम किया है जो आई आर एफ इस्लामिक एड के नाम से जाना जाता है अब मैं आपके और डॉक्टर साहब की तकरीर के दरमियान ज़्यादा हायल होना नहीं चाहता मैं डॉक्टर साहब से गुज़ारिश करूँगा कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकरीर से हमें नवाजें हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि जाकिर नायक का है अंदाज बयाँ और जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون قصادها ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله من أمري वहफासकीन रबली सदरी वही अमरी वाहत कौली मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाई और बहनों असल वरहमल वरक मुझे बेहद खुशी हो रही है कि अलहदुल्ल तीन साल बाद मैं फिर से पूना में मौजूद हूँ उर्दू तकरीर देने के सिलसिले में और मैं इसके लिए अल्लाह सुबहाना तैाली के बाद जनाब पी इनामदार साहब का आभारी हूँ और मैं शुक्रिया करता हूँ और अलहदुल्ला मैं इस कैंपस के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुबहाना व कैंपस को ना ही सिर्फ़ पूना में बट सारे हिंदुस्तान में इनशा एक मिसाल बन के रह जाए जैसे आप जानते हैं कि मैं अक्सर तकरीर सिर्फ अंग्रेज़ी में करता हूँ चंद मौक़े पर जब ऑर्गेनाइजर इस करते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बात मैं उर्दू में कहूँ क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेज़ी में हुई है मुमकिन है कि इस तकरीर में जो मैं उर्दू में करने जा रहा हूँ काफ़ी गलतियाँ होंगी तो इसीलिए मैं तकरीर के पहले आप सब लोग से माजरे चाहता हूँ आज की तकरीर का मौजू है दावा या हलाकत दावा की क्या मानी है जो लोग उर्दू और हिंदी जानते हैं वो दावत की मानी जानते हैं और जब भी ये लफ्ज़ दावत जब हम सुनते हैं फौरन हमारे दिमाग में मटन बिरयानी या पुलाव आ जाता है जब भी दावत का लफ्ज़ सुनते हैं मटन बिरयानी चिकन बिरयानी या पुलाव हमारे जहन में आता है दावत के मानी मटन बिरयानी या चिकन बिरयानी नहीं है दावत की मानी है बुलाना इट मीन्स एन इन्विटेशन और आज हम खाने की दावत के बारे में नहीं जिक्र करने वाले हम जिक्र करने वाले हैं इस्लाम के बारे में और जब भी किसी को दावत दी जाती है वो इंसान गैर होता है अपने घर वालों को दावत नहीं दी जाती तो दावत इस्लाम के पस मंजर में इसके सही मानी हैं गैरों को बुलाना गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ बुलाना और जब हम कोई मुसलमान से इस्लाम के बारे में बात करते हैं उसके मानी है इस्लाह इस्लाम मतलब मरम्मत करना अगर हम कोई मुसलमान से इस्लाम की बात करते हैं और कुछ चीज़ उस इंसान को बतलाते हैं उसे कहते हैं इस्लाह लेकिन जबान में इसला और दावत जब इस्तेमाल करते हैं तो लोग यकसा करते हैं लेकिन खसूस तौर पर यह लफ्ज दावत इस्तेमाल होता है गैर मुसलमानों के लिए और इसलाह इस्तेमाल होता है मुसलमानों के लिए अल्लाह सुबहाना तला फरमाते कुरान मजीद में सुल इमरान में सरा नंबर तीन आयत नंबर एक सौ दस में तुम तुम खैरात ए मुसलमान आप सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन कौम है अल्लाह सुबहाना व त हमें इज्जत दे रहा है अल्लाह सुनता फरमाते कि हम मुसलमान सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन कौम है जब भी किसी को इज्जत दी जाती है इज्जत के साथ जिम्मेदारियां होना लाजिम है जब भी किसी को इज्जत दी जाती है जब भी किसी को अहदा दिया जाता है देर इज ऑनर गिज़ ऑलवेज फॉलोड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ के साथ जिम्मेदारियाँ होना लाजिम है मिसाल के तौर पर एक स्कूल में प्रिंसिपल का टीचर से ज्यादा है एक टीचर का एक टीचर की इज्जत क्लर्क से ज्यादा है एक स्कूल में प्रिंसिपल की प्रिंसिपल का टीचर से ज्यादा है एक टीचर की इज्जत एक टीचर का क्लर्क से ज्यादा है, इज़्ज़त और हैदे के साथ जिम्मेदारी लाजिम है एक प्रिंसिपल की जिम्मेदारी टीचर से ज्यादा है एक टीचर की जिम्मेदारी क्लर्क से ज्यादा है जब अल्लाह सुबहाना व कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह आल इमरान में सूरा नंबर तीन आयत नंबर एक सौ दस में कुंतुम खैरा उखरिजत नजतनास ए मुसलमानों आप सारी इंसानियत में सबसे बेहतरीन उम्मा हैं। जब अल्लाह सुबहाना वाली हम इज्जत दे रहा है हमें अहदा दे रहा है उसके साथ जिम्मेदारी लाज़िम है और जिम्मेदारियां का जिक्र भी इसी हाथ में है तामरु न बिलमारूफी व तनऊना मुनकर वहिन ना क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और अल्लाह सुबहाना तआला पर ईमान लाते हैं अल्लाह सुबहाना तआला हमें खैरा उम्मा कह रहा है क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे तो हम खैरा उम्मा कहलाने के लायक नहीं हैं हम मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं अगर हम खैरा उम्मा है अगर हम मुसलमान हैं तो हमारे पे फर्ज है कि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाएं और बुराई से रोके अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाते हैं और बुराई से नहीं रोकते हैं तो हम मुसलमान कहने के लायक नहीं हैं, हम खैरा उम्मा कहने के लायक नहीं हैं। अल्लाह तला फरमाते सुर बकरा में सो नंबर दो आयत नंबर वन फोर्टी थ्री में कि हमने मुसलमान को एक उम्मत वस्त बनाया है ताकि हम लोगों को शहादत दे जिस तरीके से हमारे आखिरी नबी मोहम्मद हम पे शहादत देंगे और इस तकरीर के शुरुआत में मैंने कुरान मजीद की एक आयत का तलावत की सूर तोबा सराह नंबर नौ आयत नंबर चौबीस सूर तोबा कुरान मजीद की सबसे सख्त सूरा है सूर तोबा कुरान मजीद में सबसे सख्त सुरा है क्यों मैं कह रहा हूं कि सुर तौबा कुरान मजिद में सबसे सख्त सुरा है क्योंकि ये एक वाहिद है सारे कुरान मजिद में जिसके शुरुआत में रहमान रही नहीं है अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और बेनियाज है वरना हर सूरा कुरान मजीद में 114 सौ चौदह है और हर सूरे के शुरुआत में है बसमिलहमान रहीम अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहीम है लेकिन सूर तोबा के शुरुआत में बिस्मिल्लाह रन रहीम नहीं हैं क्यों मिसाल के तौर पे अगर आप अपने अहलिया के साथ या अपने वालदा के साथ अगर पूना की सड़कों पे चल रहे हैं मशहूर सड़क ई स्ट्रीट और अगर एक लफंगा आपकी अहल्या या आपके वालदा की हैंडबैग बैग को छीन के भागता है आप क्या करेंगे बट नेचुरल आप उसका पीछा करेंगे और जब आप उस लफंगे को पकड़ेंगे तो आपने कहेंगे असलामिकम बबरको आपने कहेंगे रहीम आप कहेंगे ए भाई साहब हैंडबैग को वापस दो नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा ए भाई साहब हैंड बैग को वापस दो नहीं तोड़ तो दूंगा आप मौजू पे फ़ौरन आएंगे आप नहीं कहेंगे अस्सलाम वालेकुम आप मौजू पे फौरन आएंगे इसीलिए कुछ मुफस्सरीन कहते हैं कि सूरह तोबा में अल्लाह सुबहाना तआला पहले चंद आयत में जिक्र होता है कि एक मददा था मुसलमान और मुश्रक मक्का के बीच और ये मुआदा एक तरफा मुश्कों ने तोड़ दिया था जब अल्लाह सुबहाना व नंबर पांच में आते हैं अल्लाह ताला कहते मैं आपको चार महीने की मोहलत देता हूँ वरना ऐलान जंग और जब अल्लाह सुबहाना व त मुश्कों को तंबी देते हैं तो अल्लाह सुबहाना व त मौजू पे फ़ौरन आ जाते इसीलिए कुछ मुफसरन कहते हैं कि इस सूर के पहले बिसमिल्लामान नहीं है अल्लाह तला फरमाते कि चार महीने का वक्त मोहलत वरना अलान जंग और जब अल्लाह सुबहाना व वा वाल आयत नंबर चौबीस का जिक्र करते हैं जिसकी मैंने तलावत की थी इस तकरीर के पहले सूर तोबा सुरह नंबर नौ आयत नंबर चौबीस अल्लाह सुबहाना वाल अब हम मुसलमान से मुखातिब है और अल्लाह ताला फरमाते कुल इम्कान कुम कहो चाहे वो आपके वालिद हो वो वा अपना कुम या आपके बेटे हो वह अखवान या आपके भाई हो वह अजवाजकुम या आपकी बीवियां हो वह कुम या आपके रिश्तेदार हो अल्लाह फरमाते आप किससे मोहब्बत करते हैं चाहे वो आपके वालिद हो आपके बेटे हो आपके भाई हो आपकी बीवियां हो आपके रिश्तेदार हो और अल्लाह ताला कंटिन्यू करते वह वा अम वाल तरफ तुम हाँ वह तिजारत उन तकशा का सा आपने जो जायदाद इकट्ठा की है आप जो तिजारत कर रहे हैं आप जिस घर में रह रहे हैं आपको किससे मोहब्बत है और आठ चीज का जिक्र है इस में आपके वाल आपके बेटे आपके भाइयों आपकी बीवियाँ आपके रिश्तेदार आपने जो माल इकट्ठा की है और आपकी तिजारत, या जिस घर में आप रह रहे हैं ताला फ़रमाते इलैकुम कि आप अगर इनसे मोहब्बत करते हैं महब्बाकुम इलैकुम लाही व रफूली व जिहादिनफ़ी फी लि अगर आप इन आटो चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह से ज्यादा अल्लाह के रसूल से ज्यादा और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा अगर आप इन आठों चीजों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं अल्लाह से ज्यादा अल्लाह के रसूल से ज्यादा अल्लाह के राह में जिद्दोजहद करने से ज्यादा ताला फरमाते फतरबसू आप ठहरो हत्या या भी अमरी वफासकीन आप ठहरो और अल्लाह सुबहाना तआला आपके ऊपर डिस्ट्रक्शन लाएंगे अल्लाह सुबहाना वाली आपको हलाक करेंगे वल्लाकिन और अल्लाह सुबहाना वाली फासिक लोग को सीधी राह नहीं दिखाता अल्लाह फरमाते अगर आपको इन आठों चीजों से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा अल्लाह के रसूल से ज्यादा अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा तो ठहरो अल्लाह सुबहाना वाली आप पे तबाह लाएंगे अल्लाह सुबहाना वाल आपको हलाक करेंगे वल्लाफासकीन और अल्लाह सुबहाना वाली फासिक लोग को सीधी राह नहीं दिखाता अल्लाह हैं सुर मोहम्मद में सुरान नंबर फोर्टी सेवन आयत नंबर अड़तीस में यस तब अगर आप की बात नहीं मानेंगे अल्लाह सुबहाना वाल आपकी जगह एक दूसरी कौम ले आएंगे कॉमन गाक नाम और वो आपके जैसे नहीं रहेंगे अगर आप अल्लाह सुबहाना का कहना नहीं मानेंगे अल्लाह सुबहाना तला के पैगाम पर पे अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह सुबहाना वाली आपकी जगह एक दूसरी कौम को ले आएंगे और वो आपके जैसा नहीं रहेंगे और ये तारीख इसकी गवाह है जब भी कोई कौम अल्लाह सुबहाना की बात नहीं मानती अल्लाह सुबहाना वाली उसके बदले एक दूसरी कौम को खड़ा करते हैं और इसकी मिसाल सरज जुमा में भी है अल्लाह सुबहाना तला ने अपने पैगाम के लिए पहले यहूद को चुना था और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूर् जुमा में सोना नंबर 62 आयत नंबर पाँच में कि यहूदी को अल्लाह सुबहाना वाली ने पैगाम दिया था लेकिन उनकी मिसाल है गधे की तरह गधे के पीठ पे किताब ला दी जाती है लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता और हम देखते हैं जब यहूदी अल्लाह सुबहाना की बात नहीं मानते तो अल्लाह सुबहाना वाली एक दूसरी कौम को लेकर आता है अरबों को और यहूदी अरबों को नीचा देखते थे तो जो इंसान को आप नीचे देखते हैं वही इंसान को अल्लाह सुबहाना वाली ऊपर लेके आता है और आपके सिर पे बिठाता है और अपने कुरान मजीद के जरिए अपने पैगाम के जरिए कुरान मस्जिद को नाजिल करता अरबों पर और ये कौम दे बिकम द दे टॉर्च बेर ये कौम ऊपर आती है लेकिन आज अगर हम मुसलमान अल्लाह सुबहाना वाली के अहकाम पर अमल नहीं करेंगे तो अल्लाह तला फरमातेमन सालकुम अगर आप अल्लाह की बात नहीं मानेंगे अल्लाह सुबहाना तआला आपकी जगह एक दूसरी कौम को लेकर आएंगे और वो आपकी तरह नहीं होंगी जब हम मुसलमान से पूछते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस सारे कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते किससे करते अल्लाह से माशाल्लाह। आसान सवाल जवाब भी आसान अगर आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे इस सारे कायनात में आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करेंगे तो जवाब है अल्लाह व तआला यकसा जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप एक सुबह को अपने घर से निकलते हैं अपने काम पे और आपका पड़ोसी आपकी वालदा से बुरी बात करता है आपकी वालदा को गालियां देता है आप जब शाम को वापस आएंगे और आपको पता लगता है कि आपका पड़ोसी आपकी वालदा को बहुत गालियां दी बिना वजह आपको जब पता चलेगा कि आपका पड़ोसी आपकी वालदा को गाली दिया आप क्या करेंगे क्या करेंगे आप अगर कोई बिना वजह आपकी वालदा को गाली देता आप क्या करेंगे लोग कह रहे मारेंगे कोई कहता मैं तंगड़ी तोड़ूंगा कोई कहेगा मैं जान ले लूंगा अगर बिना वजह कोई इंसान आपकी वालदा को गालियां देता है तो क्या करेंगे कोई कहता मैं मारूंगा उसे कोई कहता तंगड़ी तोड़ूंगा क्यों क्योंकि हम अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं करते है क्या हाँ क्या माशाल्लाह बेशक हम अपनी वालदा से मोहब्बत करते बेशक और ये बात सही है अगर कोई मेरी वालदा को गालियां देता है बिना वजह हम देखेंगे कि उस शख्स को हम सबक सिखाएंगे अगर हम खुद बदला नहीं ले सकते हम दूसरे को लेके आएंगे भाड़े पे लेकिन उसको सबक सिखाएंगे सिखाएंगे क्या हाँ क्या बेशक। क्यों क्योंकि हम अपनी वालदा से मोहब्बत करते हैं कोई भी इंसान अगर उसकी वालदा कोई को गाली देता है तो वो उस इंसान को सबक सिखाएंगा अल्लाह सुबहाना तौरते मरियम में नंबर 92, अल्लाह फरमाते वकाल तकजुरहमान वालदा वो लोग कह रहे हैं न सारा लोग अल्लाह सुबहाना वाला ने बेटा जना वकाल तकजुरहमानदा लकद जीत मुश्दा ये सबसे बुरी गाली अल्लाह सुबहाना ताला को दी किसी ने अगर कोई कहता है कि अल्लाह सुबहाना ने बेटा जना अल्लाह सुबहाना फरमाते कुरान में कि वो सबसे बड़ी गाली है अल्लाह के लिए मीनू और अगर आसमान के पास जज्बा होता तो आसमान फट उठता वतन शक्ल अर्जु और ये जमीन फट उठती जबाल और ये पहाड़ गिर पड़ता अल्लाह सुबहाना तौ फरमाते हैं अगर कोई अल्लाह सुबहाना व तौला को गाली देता है और कहता है कि अल्लाह ने बेटा जना अगर आसमान के पास जरा भी जज्बात होते तो आसमान खुल उठता ये ज़मीन फट उठती और ये पहाड़ गिर पड़ता लेकिन हम मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हम कहते हैं कि हम अल्लाह सुबहाना वाली से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपनी वालदा से ज़्यादा अपने वाल से ज़्यादा अपनी बीवियों से ज़्यादा कहते हैं लेकिन हकीकत में इस पर अमल करते क्या हम कहते हैं कि हम अल्लाह सुबहाना व तब से ज़्यादा चाहते हैं अपनी वालदा से ज़्यादा अपने वालद से ज़्यादा अपने बेटों से ज़्यादा अपनी बीवियों से ज़्यादा हम कहते हैं लेकिन क्या इस पर अमल करते है? अगर कोई आपकी वालदा को गाली देता है तो आपको उसको मारने का है आपको उसकी टंगरी तोड़ने का है यहां रोज हमारे गैर मुसलमान भाई हमारे ईसाई भाई हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं कि खुदा ने बेटा जना और हम मुंह भी नहीं खोल सकते मैं नहीं कहता हूं कि उनसे झगड़ा करो।, करो मैं यह नहीं कहता उनकी टंगड़ी तोड़ो मैं ये नहीं कहता हूं कि उनसे मारपीट करो मैं सिर्फ ये कहता हूं अगर हमारे गैर मुसलमान भाई कह रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना कम से कम आप मुसलमानों अपना मुंह तो खोलो इतना तो कहो कि यह कहना गलत है मैं नहीं कह रहा हूं कि उनसे झगड़ा करो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उनसे मारपीट करो कम से कम अपना मुंह तो खोलो इतना तो कहो कि आप अल्लाह सुबहाना वाल को गाली क्यों दे रहे हैं हम उनसे दावत करने की बात दूर रही हम उनके साथ बन जाते हैं मिसाल के तौर पे, अभी दो महीने बाद एक त्यौहार आएगा क्रिसमस और क्रिसमस में कई मुसलमान ईसाई से कहते हैं मैरी क्रिसमस जब आप मैरी क्रिसमस कह रहे हैं आप बिल्ला शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह सुबहाना वाले ने 25 दिसंबर को बेटा जना क्योंकि ईसाई क्रिसमस बनाते हैं 25 दिसंबर और कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना तला ने नउज़ बिल्ला एक बेटा जना ईसा सलाम 25 दिसंबर को आप उन लोगों से दावत तो नहीं करते दावत की बात तो दूर रही आप उनके साथ मिल जाते हैं आप शहादत दे रहे हैं कि अल्लाह ने बेटा जना दावत देना बहुत आसान है मैं यही नहीं कह रहा हूं कि उनसे झगड़ा करो आप उनकी किताबें पढ़िए और उनकी किताबों के जरिए आप उनके साथ दावत करो हम मुसलमान दावत हमारा फर्ज है हम इस फर्ज को भूल चुके हैं हमारा फर्ज है कि हम इस्लाम का पैगाम गैरों तक पहुँचाए आज की जो हालात है गैर मुसलमान जो इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं काफ़ी हद तक उसके जिम्मेदार हम भी है क्योंकि हम अल्लाह सुबहाना व का पैगाम इस्लाम का पैगाम कुरान मजीद का पैगाम गैरों तक नहीं पहुंचाते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह बकरा में सूरह नंबर दो आयत नंबर एक सौ ग्यारह में वकाल लयत खलू जन्नत अम्मा मनकाना हूदन वो लोग कह रहे हैं और नसारा कि आप मुसलमान आप जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे चाहे आप कितने भी अच्छे आमार करो चाहे आप नमाज पढ़ो चाहे रोजा रखो चाहे जक़ात दो चाहे आपके माथे पे नमाज के हो आप लोग कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक आप यहूद नसारा ना बने अल्लाह फरमाते, तिल का मानी यूह जो उनकी बकवास है डिजायर्स कुल कहो हाथू बना नकुम आप अपना बुरान पेश करो इनको तुम सौदकीन अगर आप सच्चे हैं और अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई भी डींगे मारता है बड़ी बड़ी बातें कहता है तो उनसे कहो कुल हाथू बना रकुम इनको तुम सौदकीन आप अपना सबूत पेश करो अगर आप सच्चे हो और ये ईसाई अपना सबूत अपना बुरान बाइबल को पेश करते हैं और कहते हैं माई बाइबल दिस माई बाइबल दैट माई बाइबल दिस माई बाइबल सेज दैट मेरी बाइबल ये चीज़ कहती है मेरी बाइबल ये चीज़ कहती है मेरी बाइबल ये कहती है मेरी बाइबल वो कहती है हमें क्या करना चाहिए क्या बाइबल को पूरी चाट लेना चाहिए अगर कोई भी अपना बुरहान पेश करता है तो हमें उस बुरहान की तहकीक करना चाहिए अगर कोई शनाब्ती कार्ड आपको दिखाता है कोई आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है तो वी हैव टू वेरीफाई द आइडेंटिटी कार्ड हमें देखना चाहिए कि शनाब्ती कार्ड सही है कि नहीं उनका जो बुरहान है तहकी करने की दूर की बात है ये ईसाई लोग मुसलमानों के दरवाजे को खटखटाते हैं और हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं सारी दुनिया में हिंदुस्तान में भी और खसूस पूना में कई क्रिश्चियन इदारे है कई क्रिश्चियन मिशनरी है जो मुसलमानों के घर को खटखटाते हैं और हमारा बुरहान हमारे खिलाफ़ इस्तेमाल करते हैं वो मुसलमान से पूछते हैं कि आपके कुरान में नहीं लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है और अक्सर हम मुसलमान कहीं यहाँ लिखा है तो आप बाइबल पे अमल क्यों नहीं करते है?

नाम से कुरान मजिद में पच्चीस बार आता है फौरन सवाल पूछेंगे कौन शख्स बड़ा जिसका जिक्र कुरान मजिद में पांच बार नाम से है वो शख्स बड़ा कि जिसका जिक्र कुरान मजिद में पच्चीस बार है नाम से वो बड़ा कौन बड़ा पच्चीस या पांच आपसे सवाल पूछेंगे लेकिन आपको जवाब नहीं देंगे वो आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। दूसरा सवाल पूछते हैं आपके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या उनके वाले और वालदा थे बेशक उनके वालिद भी थे वालदा भी थी नेक्स्ट सवाल पूछते ईसा ईसा सलाम।, सलाम के वालिद और वालदा थे हम कहेंगे ईसा सलाम की वालदा थी वालिद नहीं थे फौरन सवाल पूछेंगे कौन बड़ा जो इंसान वालिद के जरिए पैदा होता है वो बड़ा कि वो इंसान जो वालिद के बिगड़ पैदा होता है बड़ा वो सवाल पूछेंगे मुसलमान से लेकिन जवाब नहीं देंगे वो आपके जहन को मजबूर करेंगे सोचने पे। कौन बड़ा वो शख्स जो वालिद के जरिए पैदा होता है बड़ा है कि वो शख्स जो वालिद के बिना पैदा होता है बड़ा है सवाल करेंगे लेकिन जवाब नहीं देंगे वो आपके जहन को सोचने पे मजबूर करेंगे कई क्रिश्चियन मिशनरी दुनिया भर में मुसलमानों के घर को खटखटाते हैं एंड दे आर यूजिंग अस लाइक पंचिंग इन आवर हेड हमारे सिर में घोसला बना रहे हैं और हम जवाब भी नहीं दे सकते दूसरा सवाल पूछते हैं मोहम्मद जिंदा है कि उनका इंतकाल हो चुका है और हमें मानना पड़ेगा कि मोहम्मद वसल्लम उनका इंतकाल हो चुका है मदीना में दफन है ईसा सलाम वो जिंदा है कि उनका इंतकाल हो चुका है और इस्लाम में साफ तौर पे लिखा है कि अल्लाह सुबहाना व तीसा सलाम को जिंदा उठाया है तो कौन बड़ा वो पैगंबर जो जिंदा है बड़ा है कि वो पैगंबर जो मर चुका है बड़ा है आपसे सवाल करते हैं लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते आपके जहन को मजबूर करते सोचने पे हमारा बुरहान हमारा कुरान हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरा सवाल पूछते हैं मोहम्मद वसल्लम ने कोई भी मुजुजे किए हैं हम कहेंगे हाँ बेशक बहुत से मौजूद किए उन्होंने कभी भी मुर्दों में जान डाली और मैं मानना पड़ेगा कि कुरान शरीफ की कोई भी आयत नहीं है कोई भी सही हदीस में नहीं लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे में जान डाली उनका अगला सवाल ईसा अलैहि सलाम ने मुर्दे में जान डाली और मैं मानना पड़ेगा कुरान मजीद में साफ तौर पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह ईसा अलैहि सलाम ने कहा उठो अल्लाह के नाम से सलाम ने मुर्दों में जान डाली तो कौन बड़ा जो मुर्दों में जान डाल सकता वो बड़ा कि जो मुर्दों में जान नहीं डाल सकता बड़ा सवाल करते हैं आपके जहन को मजबूर करते सोचने पे और अब मुसलमान जवाब भी नहीं दे सकते ये सारे सवाल के जवाब अगर आप कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ये सारे सवाल के जवाब है लेकिन अफसोस की बात है कि अक्सर मुसलमान कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ते अगर हम समझ के पढ़ेंगे इन सारे सवाल के जवाब दिए गए हैं अल्लाह फरमाते सुर बकरा में सुर नंबर दो आयत नंबर एक सौ बीस में वलंदरदा अनकल यहूदू वलन नसारा हता तत्मिलती कि ये लोग यहूद नसारा खुश नहीं होंगे तब तक जब तक आप यहूद नसारा ना बने और गैर मुसलमानों में दावत देना बहुत आसान है अल्लाह फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर तीन आठ नंबर चौसठ में कुल या किताब कहो अहले किताब से ताला विला कलमितिन सवा बैन बैनकुम आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है सबसे पहली बात अल्लाह कि हम सिर्फ एक खुदा एक अल्लाह सुबहाना वाली की इबादत करे अल्ला अल्लाह, वला नशे का भी हिशा हूँ कि हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करें वाला नशी का भी हिशा ही हूँ वला तखीज़ अबादनबा अरबा बन और हम आपस में किसी और किसी और को महबूद ना बनाएं वला मुसलिम और अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो आप शहादत दो कि हम मुसलमान हैं ये आयत मेरे नजरिए में कुरान मजीद की दाऊती मैदान में सबसे अहम आयत है मैं कहता हूं ये मास्टर की है दाऊती मैदान के सब ताले को खोलने वाली चावी है और इन मेरे कल के तकरीर का मौजू है मज़हब का सही तस्वुर रिलीजन इन द रस्पेक्टिव और मैं इस आयत के जरिए इन सारे मजाहब का सही तस्वर पेश करने की कोशिश करूँगा कल और कल की तकरीर आप कह सकते कि इस तकरीर का पार्ट टू है किस तरीके से आप गैर मुसलमानों को उनकी किताब के जरिए आप यह साबित कर सकते कि खुदा एक है लेकिन अक्सर हम मुसलमान दावती मैदान से दूर भागते हैं और हम मुसलमान के पास बहुत से एक्सक्यूज हैं, बहुत से एक्सक्यूजेज हैं। अक्सर जब मैं मुसलमानों से कहता हूं कि आप गैर मुसलमानों से दावत क्यों नहीं करते तो वो कहता है कि मेरे पास इल्म की कमी है इनशाला जिस दिन मैं आलिम बन जाऊँगा तो उस दिन इनशा मैं दावत करना शुरू करूँगा अगर आप ठहरेंगे तब तक आप शेख अहमद दीदा जैसे बनेंगे तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं अगर आप ठहरेंगे क्या मैं माहिर बनूंगा एक बड़ा आलिम बनूंगा इस्लाम और दिगर मजाहब के मौजू पे शेख दीदा जैसा बनूंगा और फिर मैं दावत के मैदान में आऊँगा वो वक्त कभी भी नहीं आएगा अल्लाह के रसुल मोहम्मद फरमाते सही बुखारी में को अन्य वालों आया अगर एक भी आयत आप जानते इस्लाम के मुतालिक आपका फर्ज है कि आप दूसरों तक पहुँचाए बल्निगु अन्य वालों आया एक भी आयत आप जानते हैं अगर आप सही तरीके से जानते हैं आपका फर्ज है कि वह गैरों तक पहुँचाए हर मुसलमान कम अज कम ये तो मानता है कि एक है वो तो कम अज कम कहो गैर मुसलमानों से कम अज कम ये तो कहो कि एक है हर मुसलमान मानता है मोहम्मद अल्लाह के आखिर नबी है कम अज कम वो तो कहो आप उसको मुतमईन करेंगे क्या नहीं वो दूसरी बात है अगर आप कहेंगे खुदा एक है वो आपसे कहेंगे सबूत दो अगर नहीं पता आज का दौर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितनी किताबें लिखी गई है इस मौजू पे कई ऑडियो का सेट है कई वीडियो का सेट है कई डीवीडियां हैं और मैंने भी एक तकरीर की है खुदा का तस्वुर देकर मजाब में अगर आप इसको पढ़ेंगे और इसका हवाला देंगे गैर मुसलमान को इन उसे मानना ही पड़ेगा कि खुदा एक है आप जब घर पे आके होमवर्क करेंगे आप एक सवाल के जवाब के माहिर है फिर कहो क्या आप मोहम्मद सल्लम क्यों नहीं मानते तो वो कहेंगे क्यों मानना चाहिए मुझे आपको जवाब नहीं पता घर पे आके होमवर्क कीजिए मैंने एक तकरीर की है मोहम्मद सल्लम का जिक्र दिगर मजाहब की किताबों में और साबित किया है हिंदू मज़हब की किताब में ईसाई मज़हब की किताब में यहद मजहब की किताब में पारसी मजहब की किताब में बुद्ध मजहब की किताब में अक्सर मजहब की किताबों में मोहम्मद वसल्लम का जिक्र है मोहम्मद वसल्लम की पिशन गोई है आप पढ़ो किताब को तकरीर को देखो और आप गैर मुसलमान से दावत कर सकते हैं आसान है फिर कहो आप सलाह क्यों नहीं पढ़ते वो पूछेगा क्यों मुझे पढ़ना चाहिए नहीं जवाब पता आके होमवर्क कीजिए मैंने तकरीर की है सलाह द प्रोग्रामिंग टूर्ट दिश इस तरीके से आप जब शुरू करेंगे इनशा अल्लाह आपको और इल्म हासिल होगा और आप सवाल के जवाब दे सकेंगे अल्लाह के रसूल फरमाते बल्ले को अन्य वाला आया प्रोपगेट इवन इफ यू नो वन वर्स अगर एक भी आयत आप जानते हैं इस्लाम के मुतालिक आपका फर्ज है वो गैरों तक पहुंचाए कई मुसलमान मुझसे कहते हैं कि जाकिर बहुत से मुसलमान सही रास्ते पे नहीं है हम पहले मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाएंगे और उसके बाद हम गैर मुसलमानों को दावत देंगे ये अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमानों के साथ इस्लाह करना अच्छी बात है लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं मुसलमान को पक्का मुसलमान पहले बनाऊंगा और उसके बाद दावत करूंगा ये वक्त कभी भी नहीं आएगा क्योंकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद खुद अपने रिश्तेदारों को मुसलमान नहीं बना सके तो आप कैसे कर पाएंगे खुद उनके चचा इस्लाम नहीं कबूल करे और सही बुखारी की हदीस है कि मदीना में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मदीना में कई मुसलमान थे जो फ़र्ज सलाह के लिए मस्जिद में नहीं आते थे जुम्मा सलाह के लिए और अल्लाह के रसूल फरमाते कि मैं चाहता हूँ कि उनके घर में आग लगा दूँ अने मदीना में भी कुछ मुसलमान थे जो पक्के मुसलमान नहीं थे फिर भी अल्लाह के रसूल ने गैर मुसलमान तक दावत पहुंचाई अल्लाह के रसूल ने पैगाम भेजा किंग ऑफ एबिया को किंग ऑफ पर्शिया को किंग एलेक्जेंडर को और कहा कि इस्लाम कबूल करो। उनने नहीं कहा कि मैं पहले मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाऊंगा और फिर मैं गैर मुसलमान तक दावत पहुंचाऊंगा और अगर आप अल्लाह के रसूल की आखिरी तकरीर को सुनेंगे हजतल तो अरफात के मैदान में उस वक्त तकरीबन एक लाख दस हज़ार साहबा थे और अल्लाह के रसूल उनसे पूछते हैं कि मैंने मेरा पैगाम आप तक पहुंचाया कि नहीं और सारे साहबा कहते हैं बेशक आपने पहुंचाया फिर वो कहते हैं कि आप उन लोगों तक ये पैगाम पहुंचाओ जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं और एक लाख दस हज़ार में से एक लाख से ज़्यादा साहबा वो अरेबिया के बाहर जाते हैं क्या करने के लिए मुसलमान को पक्का मुसलमान बनाने के लिए गैर मुसलमानों को इस्लाम की दावत देने के लिए इस्लाह करना अच्छी बात है लेकिन यह कहना कि मैं मुसलमान को पहला पक्का मुसलमान बनाऊंगा और फिर गैर मुसलमान को दावत दूंगा यह गलत है जब आप मुसलमान से मिलते हैं उनके साथ इस्लाह करो जब गैर मुसलमान से मिलते हैं तो उनके साथ दावत करो दोनों साथ साथ होना चाहिए कई मुसलमान से कहते हैं कि जब हम दावत देते हैं गैर मुसलमानों को वो कहते हैं माइंड बिजनेस आप अपने काम से काम रखो मैं हमेशा मिसाल देता हूं कि अगर आप अपने फैमिली के साथ कोई हिल स्टेशन जाते हैं महाबलेवर और वहां जब आप टेबल लैंड पे जाते हैं एक पहाड़ी इलाके पे आपका छोटा बेटा जब आप अपनी अहल्या से बात करते हैं आपका छोटा बेटा अहमद जो चार साल का है वो आपसे दूर होता है और दूर पहुंच जाता है पहाड़ी के किनारे की तरफ चलते हुए जब आपको पता लगता है कि अहमद आपके साथ नहीं है तो आप देखते कि वो दूर पहुंच गए पहाड़ी के किनारे पे आप चिल्लाना चाहते अहमद संभालो आप गिर जाएंगे लेकिन आपकी आवाज़ नहीं पूछती है उस पहाड़ के किनारे पे एक इंसान अपने हाथ पे हाथ बांधे हुए नजारे देख रहा है आप कहना चाहते भाई साहब मेरे बेटे को बचाओ आपकी आवाज नहीं पूछ सकती लेकिन आप देखते हैं कि वो इंसान आपके बेटे को किनारे के नजदीक आते हुए देखता है आपके बेटे की तरफ देखते हुए मुस्कुराता है और फिर से नजारे देखने में मुश्किल हो जाता है कुछ देर बाद आपका बेटा और एक कदम लेता है और पहाड़ी से गिर पड़ता है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस शख्स को दोषी ठहराएंगे कि नहीं आप कहेंगे आपने मेरे बेटे को क्यों नहीं बचाया आप इतने गरीब था आपको एक कदम लेने की जरूरत भी नहीं थी सिर्फ हाथ आगे करते थे और मेरा बेटा बच जाता था लेकिन वो शख्स कहेंगे आपसे आई वॉज माइंडिंग माई ओन बिजनेस मैं अपने काम से काम रख रहा था और देखे जाओ तो वो सही कह रहा है उसने तो आपके बेटे को धक्का नहीं मारा उसने नहीं कहा आपके बेटे को से कि आप खुद ही मारो वो अपने काम से काम रख रहा था फिर भी आप उस शख्स को दोषी ठहराएंगे कि नहीं आप कहेंगे मेरा बेटा तो मासूम था ये शख्स अल्लाह ने उसको समझ ली सिर्फ हाथ आगे कर लेता और मेरा बेटा बच जाता फिर भी आप उस शख्स को दोषी ठहराएंगे इसी तरीके से अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे कहता है जब आप दावत कर रहे हो उससे कि आप अपने काम से काम रखो तो आप उसको जवाब देना चाहिए वही तो मैं कर रहा हूं मैं अपने काम से तो काम रख रहा हूं हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैर मुसलमान तक दावत पहुंचाए तो ये तो मेरा फर्ज है मैं मेरे काम से ही काम रख रहा हूं मेरा फर्ज है कि मैं आप तक दावत पहुंचाऊं और अगर आप दावत नहीं पहुंचाएंगे आखिर के दिन पे ये गैर मुस्लिम या आपका गिरबान पकड़ेंगे कहेंगे कि अल्लाह ने इनको तो हिदायत दी इनने लेकिन हम तक दावत नहीं पहुँचाई उस वक्त आप क्या जवाब देंगे अगर आपका पड़ोसी मुशरक है और आपने अपने पड़ोसी तक दावत नहीं पहुंचाई और उसका इंतकाल हो जाएगा आखिरत अल्लाह उनसे पूछेगा कि आपने इस्लाम क्यों नहीं कबूल करा तो उनको भेजेंगे जहन्नम में आपसे पूछेंगे कि आपने अपने पड़ोसी को दावत दी कि नहीं और अगर आप कहेंगे नहीं तो आप भी उसको फॉलो करेंगे हर मुसलमान का फर्ज है कि वो गैर मुसलमान तक इस्लाम की दावत पहुंचाए। और अल्लाह फरमाते हैं अल असर में सूर्य नंबर 103 آية نمبر 1-3 والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وأملوا صالحاتي وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر الله تعالى قسم خاره وقته والأسر أسر کی قسم خاته کہ آدمي خسارة میں ہیں والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا صرف وہ لو خسارة میں نہیں ہیں جو لو चार चीज़ पे अमल करते वलअस आमनू जिसके पास ईमान है वमिनहत जो अच्छे अमल करता है व तो बिल हक़ व तो सब सब्र और जो लोग हक़ की तरफ बुलाते हैं दावत देते हैं और जो लोगों को सब्र की तरफ़ बुलाते हैं अगर कोई भी इंसान को जन्नत जाना है उसको निजात पाने के लिए चार चीज़ें ज़रूरी है ईमान अमल सौलहत व तोवा हक दावत देना और तवा सब्र लोगों को सब्र की तरफ बुलाना अगर इन चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिसिंग है एक भी चीज़ के ऊपर अमल आप नहीं करेंगे तो आम तौर पे पूरे असर के हिसाब से आप जन्नत में नहीं जाएंगे सिर्फ दावत देना काफ़ी नहीं आपके पास ईमान होना चाहिए अमल सौलहत होना चाहिए दावत भी देना चाहिए और लोगों को सबर की तरफ बुलाना चाहिए अगर आप नमाज पढ़ते हैं, जक़ात देते हैं हज पे गए हैं, लेकिन दावत नहीं करेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे चारों चीज जरूरी है ईमान अमल सोलह दावत देना और लोगों को सबर की तरफ बुलाना तौर पे अगर इन चारों में से एक भी चीज आप अमल नहीं करेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे अगर अल्लाह ताला आपको माफ करना चाहता है और फिर जन्नत में जानना चाहता है तो अल्लाह सुबहाना व ताला के इख्तियार में है क्योंकि अल्लाह तला फरमाते सूर नशा में सुना नंबर चार आयत नंबर फोर्टी एट में और सूर नशा सुना नंबर चार आयत नंबर एक सौ सोलह में कि अल्लाह सुबहाना वाला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिरक को कभी नहीं माफ़ करेगा क्योंकि जिस इंसान ने शिरक किया उसने सबसे बड़ा गुनाह किया तो अगर अल्लाह चाहे आपको माफ करना चाहता है और फिर जन्नत में जानना चाहता है तो अल्लाह के इख्तियार में लेकिन सूर्य के हिसाब से अगर आपने इन चारों चीजों में से एक भी चीज पे अमल नहीं किया तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे अल्लाह तला फरमाते नहल में सूरह नंबर सोलह आयत नंबर एक सौ पच्चीस में उदू इला हसना वजादिल हसन आप लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ उदू इला सबील रबी का भिकमा हमत के साथ और हुसनत के साथ और लोगों के साथ अच्छे तरीके से आप बात कीजिए और अल्लाह तरमाते सील इमरान में समा नंबर तीन आयत नंबर एक सौ चार में कि आप लोगों में से आपकी उम्मत में से एक ऐसा ग्रोह पैदा होना चाहिए जो फुल टाइम दाई है जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाता है और बुराई से रोकता है और ये लोग हैं जो जन्नत में अच्छा मकाम पाएंगे यहाँ अल्लाह होता जिक्र कर रहे जिस तरीके से हमारे पास फुल टाइम डॉक्टर्स है फुल टाइम इंजीनियर्स है फुल टाइम लॉयर्स है फुल टाइम एडवोकेट्स है, है कितने फुल टाइम दाइज है हमारे पास कितने दुआत है कितने लोग अपनी सारी जिंदगी वफ के हैं अल्लाह के राम में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए तो इस आयत में जिक्र हो रहा है फुल टाइम दाइस का पार्ट टाइम दाई बनना हर मुसलमान का फर्ज है पार्ट टाइम दाई मतलब आपको गैर मुसलमान को दावत देना फर्ज है थोड़ा बहुत दावत देना फर्ज है लेकिन यहां जिक्र हो रहा है फुल टाइम दाइस का और अल्लाह फरमाते यह फुल टाइम दाइस जन्नत में एक ऊंचा मकाम पाएंगे मैं तकरीर को ख़त्म करना चाहता हूँ उसके पहले चंद कुरान की आयत पेश करूँगा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में तीन जगह सुर सफ़ में सुरान नंबर सिक्सटी वन आयत नंबर नौ में सुरह तोबा सुरहान नंबर नौ आयत नंबर तैतीस में और सुर फताह में सुरान नंबर फोर्टी एट वर्ष नंबर ट्वेंटी एट मेंजी रसूल के अल्लाह सुबहाना व ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लाम को भेजा दिन हक के साथ ताकि वो सारे दिनों सारे मजाहब पे गालिब हो अल्लाह ताला फरमाते लजी अरसल रसूल हो बिलोधा कि हमने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दिन हक के साथ ताकि वो सारे मजाहब पे गालिब हो

डाइज हो सेक्यूलरिज्म हो हो कम्युनिज्म हो, सारे मजहब पे गिब होंगे और अल्लाह फरमाते वालिकून कितना भी मुश्किल नहीं चाहेंगे तो दो जगह और ये जगह अल्लाह ते वो कफाबल्लादा और काफी है अल्लाह शहादत के लिए मैं तकरीर का खत्म करूंगा कुरान मजिद के आयस् से सुर फुसलत के सुरा नंबर फोर्टी आयत नंबर थर्टी थ्री ममन हसन ममी मिल मिन मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है वह शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है अच्छे अमार करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। हूं व आखर दावादिल्ला हम डॉक्टर जाकिर नायक साहब की मालूमती तकरीर दावा या हलाकत के ऊनवान पर समात कर रहे थे अब इस अजलास का दूसरा दौर शुरू होता है ये सवाल जवाब का सेशन है जिसमें आप मकर से सवाल कर सकते हैं और मकर आपके सवालत के, के इनशाला जवाब देंगे इस सवाल जवाब के सेशन को दिलचस्प बनाने के लिए कुछ असूल व जवाब रखे गए हैं सवालत करने वालों के लिए यहाँ पर तीन माइक का इंतज़ाम किया गया है पहला दरमियान में दूसरा पीछे जेंट्स की जानब और तीसरा खातन के शोबे में पहला सवाल दरमियान से होगा दूसरा सवाल खवातिन के शोबे से और तीसरा सवाल पीछे की जानब जेंट्स की तरफ से होगा इस सवाल जवाब के सेशन में सवाल करने वाले से गुजारिश है कि वो सबसे पहले अपना नाम और प्रोफेशन यानी पेशा बताएं सवाल करने वालों में गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दिया जाएगा और उन्हें इस्लाम के ताल्लुक़ से कोई भी सवाल करने की पूरी पूरी आज़ादी हासिल होगी सवाल करने वाले सवाल करने में अखतेसार से काम लें कोशिश करें कि सवाल करने में कोई तमहीदी बात न हो बल्कि अपना नाम और पेशा बताकर फौरन सवाल शुरू कर दें हमारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि उनके सवालात सवाल से मुतालिक हों इख्तलाफी और फ़ीर सवालात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी एक वक्त में एक ही सवाल की इजाज़त होगी अगर सवाल गैर ज़रूरी हो तो उसे रद्द करने का मुझे इख्तियार होगा हो मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इन असूलों को सामने रखते हुए इस सेशन को दिलचस्प और कामयाब बनाने में मेरी हर तरह से मदद करेंगे वॉल्टियर हजरात से मेरी गुजारिश है कि वो गैर मुस्लिम भाइयों को पहले मौका दें जी भाई साहब आप अपना सवाल करें गैर मुस्लिम भाई को तरजीह दी जाएगी आई एम वसीम भंडारी आई एम फ्रॉम बिजापुर कर्नाटका पूछते हैं कि कुरान में एक जगह बोलते हैं

कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमल का हिसाब लिया जाएगा और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह ताला अगर चाहे तो किसी को भी माफ़ कर सकता है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलत फहमी हो सकती कि कॉन्ट्रडिक्शन है जब अल्लाह ताला फरमाते हो कई जगह अल्लाह तै ने फरमाएं कि दर्रा भर अगर आपने नक काम किया है तो अल्लाह ताली उसका हिसाब लेंगा और जरा भर गलत काम क्या उसका हिसाब लेगा इसमें कोई शक नहीं लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर सकता है लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ कर दूं यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ नहीं करूंगा यह आदमी गोरा है तो माफ़ करूंगा यह आदमी काला है तो माफ नहीं करूंगा तो फिर अल्लाह सुबहाना वाली अनजस्ट होंगे माफ करने के भी क्राइटेरिया है और अल्लाह ताला कुरान मजिद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तोबा करता है तो मैं उसे माफ करूँगा तोबा करने के शरात है तोबा करने के है कि अगर कोई आदमी गलत चीज करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है नंबर दो उस गलत काम को रोकना चाहिए नंबर तीन उस गलत काम को फिर से नहीं दोहराना चाहिए नंबर चार अगर वो गलती को अंडू कर सके उस गलती को वापिस से अंडू कर सके मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स चोरी करता है हजार रुपया वो वापिस दे सकता है उसे वापिस देना चाहिए तो अगर वो तोबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ करेगा उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला रहमान रहीम है अल्लाह रहमत वाला है अल्लाह रहीम है इसीलिए अल्लाह सुबहाना वाल इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफी मांगने का मौका दिया जाएगा और अल्लाह ताला अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा इसीलिए हर सूर्य के पहले बिस्मिल्लाहान रहीम है सूर तोबा शुरुआ नंबर नौ छोड़ के हर सूर्य के पहले लिखा है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाह के नाम से

इज अ फर्स्ट पेयर ऑफ ह्यूमन बींग्रूव बट इट इज नॉट एस्टैब्लिश बट ना हाउसेज विल बी गोइंग टू अप्रूव गो बैक इन टाइम थैंक यू मैंने सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दगर मजाक की किताब में लिखा है के सबसे पहली जोड़ी आदम और ईज थी आदम सलाम और सलाम थे, लेकिन साइंस से तस्लीम नहीं करता हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदमी सलाम और बीवी हवा थे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है एस सी आई ई एन सी लेकिन ये किताब है साइंस की एस आई जी एन एस ये आयात की किताब है ये किताबें निशानियों की और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं, जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे मिसाल के तौर पे, हम कह सकते कि 80 फीसद साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है सौ फीसद सही है 80 फ़ीसद जो कुरान में लिखा है साइंस यह साबित कर चुका है कि सौ फीसद सही है अभी बीस फीसद इज एम्बिगस जो हमें पता नहीं इस बीस फीसद में से एक भी फीसद अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है अनोन एम्बिगुस पता नहीं तो हम डालते उसे डाउटफुल कैटेगरी में डाउटफुल वी डोंट नो तो मेरी लॉजिक ये कहती है अगर 80 फीसद सौ फीसद सही है और 20% फीसद डाउटफुल है अनोन है एम्बिगस है उसमें से 0.1% परसेंट भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% फीसद भी इन सही होगा और इस 20% फीसद में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम सलाम और बीवी हवा साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है लाइफ आफ्टर डेथ आखरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और रोज़क़ का कुरान में ज़िक्र है जिन का साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके कि ये सही है तो बहुत सी चीज़ें जो कुरान मजीद में लिखी थी चौदह सौ साल पहले अक्सर चीज़ें साइंस तस्लीम नहीं करती थी लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद साइंस तरक्की करने के बाद 80 फ़ीसद से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि सौ फ़ीसद सही है, है। इन सकता है कि 50 साल बाद 100 साल बाद 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है दोजक़ है जिन है एंजल है और ये भी तस्लीम करेंगी पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी appreciated the class that you gave. it had a good impact on people. as well as the preaching mood that you carried about the supreme lord, that is allah, is most praiseworthy. this is what the society really needs today. but as of some things which i heard from you, there were many questions, but i'll ask one as of the formalities considered. you said, that, uh, brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am B computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me, and basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something. And he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments, in the sense that, based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter-argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother.

I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shloka which says that I am the father, I am the mother, I am the seed giving father.

So the supreme lord is saying, all of our my sons, i take care of them. so i do agree with your first point, saying that somebody is directly begotten as a son. that can be denied. but as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the lord and we deserve his mercy. so i felt that this bit contradicts with what you already said. i'm sorry, i'll answer in Urdu, because the program is in Urdu, and i believe you can understand hindi. माशा माई हिंदीट ग्पल द ग्रामेटिक भाई साहब ने सवाल पूछा है कहा है कि उनने मैं तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते नात से पते मस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ मैंने बोला बेशक और उनके सवालत में उनने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुबहाना ने बेटा नहीं जना लेकिन उन्होंने भगवत गीता के दो श्लोक का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूँ मैं आपका माता हूँ तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि खुदा बेटा नहीं जनता गॉड कैनॉट बिगेट अ सन लेकिन आम सन हो सकता है आम सन फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड द बाइबल बाइबल से बुक ऑफ रोम लेड बाई द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर ऑफ गॉड जो भी अल्लाह के अहकाम को मानता है वो अल्लाह का बेटा है उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम हम भगवान के बच्चे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई जयीफ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान आएगा। लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे हैं, इधर आओ तो वो उसको एक लाफा मारेगा बेटा मतलब सन वो छोटा आदमी है इज गिविंग रिस्पेक्ट मिसाल के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैजुर रहमान ने कहा के शेख दीदात ने कहा डॉक्टर जाकिर नायक को बेटा और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूं वो मेरे वालिद के समान है लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जनावा बेटा तो प्रॉब्लम है आप समझ रहे नहीं दिस इज द लैंग्वेज तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज फादर तो अगर आप कॉन्टेक्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है वो हमारा खालिक है वो हमारा रब है उस तरीके से आप कहते मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेकिन इसीलिए कुरान मजीद में निन्यानवे सिफत है अल्लाह ताला की उसमें से अब जो आसान है जान बूझ के नहीं लिखा है लेकिन रब जो और मुश्किल है रब बोलना अब से और मुश्किल है जान ने सिफतों में अब को नहीं लिखा क्यों लोग उससे गलत मानी ले सकते हैं वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आम तौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ कोई हर्ज नहीं इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल में अगर कहते कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं उस तरीके से ईसा सलाम बेशक अल्लाह सुबहाना व ताला के भेजे हुए अजीम पैगम्बर थे वो बेशक बेटे थे लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा सलाम

बाइबल में था ही नहीं और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने यह लफ्ज को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है इसी तरीके से आपने जो कहा कि भगवत गीता में लिखा श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूं मैं पिता हूं इन कॉन्टेक्स्ट मुझे प्रॉब्लम नहीं है हालांकि मैं नहीं कहूँगा कि खुदा हमारे वालदे क्यों क्योंकि लोग को गलत फहमी हो सकती है लेकिन अगर कोई इंसान सही कॉन्टेक्ट में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं मुझे कोई ऐतराज नहीं लेकिन जने हुए नहीं इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता वेद वेद सबसे ऊंची किताब है वेद के बाद आता है उपनिषद उपनिषद के बाद आता है इतिहास तो अगर आपको जानना इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता अगर आपको कोई शक है इसकी मानी में क्या हो सकता है अगर दो मानी निकलती है तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं स्वतः उपनिषद चैप्टर नंबर छ वर्ष नंबर नौ उसमें लिखा है नागिज जनिता ना चदीपा जिसके मानिए उस भगवान उस खुदा का नाक वाल ना है ना नो मदर मैं कंप्लीट करता हूँ फिर बोका दूंगा इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना सिरपतिमा अस्थि को नहीं मानता हूं क्या आप वेद को नहीं मानते आप ये कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूं तो मैं जवाब दे सकता हूं तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं लेकिन पहले जब आपने कहे ना तत् प्रतिमा अस्थि ये हवाला है श्वेता स्वता उपनिषद चैप्टर नंबर फोर वर्ष नंबर उन्नीस और आता है यजुर्वेद चैप्टर नंबर थर्टी टू वर्ष नंबर थ्री में जहां लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुद्ध के मानिए फोटोग्राफ के मानिए स्टैच्यू उसके मानिए स्कल्पचर तो जब वेद और स्वेता सूत्र उपनिष में आता है तस्य प्रतिमा अस्थि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं उस खुदा का कोई बुद्ध नहीं है उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं कोई स्कल्पचर नहीं तो ये मानी है अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए सांस्कृत डिक्शनरी में और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अलहदुल्लास्कृत डिक्शनरी है फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूर्य नहल में शुल नंबर सोलह आयत नंबर फोर्टी थ्री में और सूर्य अंबिया में शुल नंबर इक्कीस आयत नंबर सात में फस अलू जिक्री इनकुंद अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है और जो मैं कह रहा हूं आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अलहदुल्ला हिंदू पंडितों ने लिखी है आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते आई होप आंसर द क्वेश्चन ब्रदर या आई वुड लाइक टू कंटिन्यू इफ यू यू डोंट माइंड फर्स्ट पार्ट व्हाट सेड वाज That we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted and that is true. So, my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So, that will just create a disharmony without understanding the context. So, that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize. In general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. हम ये नहीं चाहते कि गलत फहमी हो इसीलिए हम जान बुझ के ये भी नहीं कहते कि हम बेटे हैं खुदा के वो बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर कोई गलत फहमी लेता है मेरे अल्फाज से हम इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल हम जान बूझ के एहतियात लेते हैं और ऐसे अल्फाज जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है खसूस खुदा के लिए भगवान के लिए हम क्या करते तहकीक करते हैं और वी आर वेरी केयरफुल नॉट टू तो यूज़ दिस वर्ड होम आंसर क्वेश्चन बता। भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो गैर मुस्लिम भाइयों को तरजीह दें uh, मेरा नाम कैलाश माने है uh, मैं प्रोफेशनल से टेलीकॉम इंजीनियर हूँ आपने कहा था कि हर रिलीजन में लिखा है कि हर बुक में लिखा है कि भगवान एक है खुदा एक है तो मैं ये कहना चाहता था कि इस्लाम को क्यों फॉलो करना चाहिए माशा भाई साहब ने बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा अहम सवाल कि अगर हर मज़हब हर धर्म की किताब में लिखा है कि भगवान एक है तो मुझे इस्लाम ही क्यों फॉलो करना चाहिए बहुत अच्छा सवाल अगर हिंदुज़म में लिखा भगवान एक है क्रिश्चानिटी में लिखा भगवान एक है इस्लाम में लिखा भगवान एक है तो मुझे इस्लाम ही क्यों फॉलो करना चाहिए मैं हिंदू ही रहूँगा मैं ईसाई रहूँगा बहुत अच्छा सवाल है मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैंने तकरीर की थी चंद साल पहले नाइनटीन में इसी कैंपस में कुरान एंड मॉडर्न साइंस कुरान और जदीद साइंस और उसके ज़रिए मैंने ये साबित किया कि कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है अगर आप इस साइंस से दूसरे मजहब की किताबों को जांचते हैं तो बाकी मजहब की किताब इस साइंस के टेस्ट पे नहीं उतरते हैं लेकिन हम यह कहते हैं कि अल्लाह सुबहाना वाली ने कई किताबें नाजिल की है अल्लाह सुबहाना वाली ने कई किताबें नाजिल की नाम से सिर्फ चार का जिक्र कुरान मजिद में तोड़ा जबूर इंजिल और कुरान तौरा वो वही है जो मूसा सलाम पे नाजिल की थी ज़बूर वो वही है वो किताब है जो दाऊद सलाम पे नाजिल की गई थी इंजील वो किताब है जो ईसा सलाम जीदस का पौन पे नाजिल की गई थी और कुरान मजीद आखिरी किताब है जो आखिरी पैगम्बर मोहम्मद वल्लम पर नाजिल की गई थी लेकिन कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूर्य रौद में शरा नंबर तेरह आयत नंबर अड़तीस मेंजल किताब और हर दौर में हमने किताब नाजिल किए अल्लाह से किताबें नाजिल की है सिर्फ चार का जिक्र है लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी जिस तरीके से बाइबल में लिखा है गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर फिफ्टीन वर्स ट्वेंटी फोर गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर टेन वर्ष नंबर फाइव एंड सिक्स के ईसा सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे उसी तरीके से जितने भी किताबें जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे कुरान मजीद में लिखा है सुर इब्राहिम में सुना नंबर चौदह आयत नंबर बावन में फिफ्टी टू में सुर इब्राहिम सुल नंबर चौदह आयत नंबर एक में सुरुमर सुना नंबर थर्टी नाइन वस्त नंबर फोर्टी वन में सुरह बकरा में सुलह नंबर दो आयत नंबर वन एटी फाइव में कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है और मोहम्मद सल्म सिर्फ़ मुस्लिम या सिर्फ़ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे कुरान मजिद में जिक्र आता है अम्बिया में सो नंबर इक्कीस आयत नंबर एक सौ सात में वमा का सला रत आलमीन के हमने मोहम्मद को तो नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई अल्लाह का पैगाम एक ही था अल्लाह एक है अल्लाह के पैगम अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और अब उसी की इबादत करे लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त 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 उनमें मिलावट आने लगी और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल बाइबल में मिलावट है अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तोहेद है हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब सौ फीसद खुदा की किताब है कोई भी शख्स कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब सौ फीसद खुदा की किताब है हिंदू कहेगा वे सौ फीसद खुदा की है क्रिश्चियन कहेगा बाइबल सौ फीसद खुदा की है मुसलमान कहेगा कुरान सौ फीसद खुदा का है नो no प्रॉब्लम तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यखता है वो चीज पे हम अमल करें और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है दूसरी अक्सानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाइबल पढ़ेंगे बाइबल में लिखा है बुक ऑफ डिटॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में बुक ऑफ डिटॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में सॉन्ग ऑफ चैप्टर नंबर 5 नंबर 16 में इन द बुक ऑफ आइजा चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 ये ओल्ड टेस्ट है न्यू टेस्ट पढ़ेंगे लिखा है गास्पिल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर वर्स नंबर सिक्सटीन गॉसपल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर फिफ्टी वर्स नंबर ट्वेंटी सिक्स गॉस्पिल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर सिक्सटीन वर्स नंबर सेवन गॉस्पिल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर सिक्सटी वर्स नंबर नर्म टू फोर मैं कह सकता हूँ कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगम बनाने वाले मोहम्मद उसी तरीके से हम जब हिंदू मज़हब की किताबों का मुताल करते हैं उसमें लिखा है भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्यय थ्री श्लोकास्ट पाँच से आठ तक भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्यय थ्री श्लोकास्ट टेन टू ट्वेंटी सेवन इसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद आने वाले हैं इसी तरीके से आप पढ़ेंगे

आप अगर कलकी पुराना पढ़ेंगे उसमें लिखा है कलकी अवतार आखिरी पैगंबर उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी माँ का नाम लिखा है सुमती सुमति की मानी अमन अरबी में ट्रांसलेट करेंगे आमिना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम था उसमें लिखा है कि इस कलकिया अवतार के वालिद का नाम है विष्णु यास विश्नु यास मीस खुदा का बंदा ट्रांसलेट करेंगे अरबी में अब्दुल्ला वो था नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिद का लिखा गया है कि वो पैदा होंगे ऐसे शहर में जिसका नाम है अमन जो मक्का है वो पैदा होंगे उस ग्रोह में जो चीफ होंगे मक्का के और आप जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैश में पैदा हुए थे उसमें लिखा है कि ये कल के अवतार आखिरी होंगे इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार सारी इंसानियत के लाएंगे इसमें लिखा है कि ये कल के अवतार के चार करीब दोस्त होंगे चार खुलफा राशिदीन हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान हज़रत अली मेला भी पीस जमाल इस तरीके से डिटेल लिखा है कि वो बारहवीं तारीख माधव में पैदा होंगे जो बारहवीं रबिया अवल है उनको बशारत होंगी, सबसे पहली बशारत होंगी एक गार में एक केव में वो एक गारे हिरा और वो बाद में माइग्रेट करेंगे नॉर्थवोड और वापस आएंगे हम जानते हैं मोहम्मद सल्हुस मक्का से जाते मदीना नार्थ वड वापस आते मैफुल तकरीर करने वाला हूँ लखनऊ में दो हफ्ते बाद मोहम्मद सल्लम हिंदू मजहब की किताबों में तो मैं आपको कहता हूं अगर आपको अच्छा हिंदू बनना है तो आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा ना से प्रतिमा अस्थि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं उस खुदा का कोई बुद्ध नहीं उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं उस खुदा का कोई स्टैचू नहीं आपको मानने पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद वसल्लम है आपको मानने पड़ेगा कि जो तालीम ये आखिरी पैगंबर देंगे उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा तो मैं कहता हूँ आप अच्छा हिंदू बनो अच्छा हिंदू बनेंगे और उसके ऊपर अमल करेंगे आपको अच्छा मुस्लिम बनना ही पड़ेगा इसी तरीके से एक अच्छा क्रिश्चियन को अगर क्रिश्चियन बनना है उसको एक खुदा में मानना पड़ेगा उसको मानना पड़ेगा ईसा खुदा नहीं उसे मानना पड़ेगा आखिरी पैगम्बर मोहम्मद और वो ऑटोमेटिकली आपको अगर मुस्लिम नाम से नफरत है तो मुस्लिम नाम मत लो लेकिन आप अपनी सारी ख्वाहिशें अल्लाह और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद के हिसाब से चलो और आप सबसे अच्छे इंसान बनेंगे इन जरूर अच्छा हिंदू तो भाई साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप अच्छा हिंदू बन के सही मुसलमान बनना चाहते हैं कि नहीं आज आप अगर सच्चे हिंदू है और अपने हिंदू धर्म की किताबों में अमल करना चाहते हैं मैंने इतने हवाले दिया तो आप मानते हैं कि खुदा एक है आप मानते हैं कि नहीं मोहम्मद सुल्ला आखिरी पैगम्बर है मैं जानना चाहता हूँ आपसे हाँ आप मानते हैं कि अल्लाह है एक खुदा एक है हाँ, मानता मानते हैं कि नहीं हाँ मानता हूँ मानते आप मानते हैं कि मोहम्मद आखिरी पैगम्बर है हाँ सर आपने आप कल किया अवतार आखिरी पैगंबर मोहम्मद है कि नहीं सर मैं अभी पढ़ूंगा बिल्कुल सही आप पढ़ के अगर मुतमिन तो फिर मानेंगे क्या नहीं हाँ मानेगा कितना वक्त चाहिए आपको एक दिन चाहिए तो कल पढ़ सकते दो दिन चाहिए तो परसों पढ़ पर सकते एक, दो 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 दिन 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 अच्छा परसों में आपका इंतजार करूंगा इन ठीक है सर एक नंबर अगर वहाँ कोई नॉन मुस्लिम सिस्टर्स हूँ तो उनको मौका दिया जाए जी सर मैं दीप्ति है मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है तो ये जरूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है दिन का सवाल है उन्हें कुरान मजीद पढ़ चुकी है बहुत से बातें अच्छी लगती है कुरान मजीद इस्लाम पसंद करती है तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमत को और इस्लाम पसंद है तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करना चाहिए। अगर पसंद करते कबूल करना ही चाहिए तो ही आप अमली तौर के ऊपर सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करें नहीं सर ऐसा कुछ नहीं लेकिन सर <laughs> नहीं आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो है आप उसके पसंद है तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए <laughs> सर ये बराबर लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर तीन महीने हुए मैंने एडमिशन लिया है तो फ्रेंड सर्कल में सब मेरे फ्रेंड सर्कल है तो बहुत सारे मोमिडियन फ्रेंड्स है मेरे तो ऐसा कुछ नहीं पहले तो नहीं थी लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है इधर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद सर अच्छा लगा और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे तो अच्छा लगता है मुझे आप आपके बहुत से फ्रेंड मुसलमान है सही लफ्ज मुसलमान है मोहम्मद सही लफ्ज लफ्ज नहीं है है मुसलमान सही सॉरी सर अगर, अगर, अगर कैंपस में आ चुके हैं एडमिशन ले चुके हैं आपके बहुत से सहेलियाँ अगर मुसलमान है आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज अच्छे है तो इस्लाम में कोई भी जबरदस्ती नहीं है इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान जबरदस्ती बना ही नहीं सकता यार में लाइक दीन में कोई कंपलशन नहीं है अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आजम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा जनाब इनामदार साहब भी इधर है वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आजम कैंपस के बाहर निकालेंगे और इस कैंपस में माशा बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मजहब सही मजहब है और आप अपने पुराने किताब पढ़ते है हिंदू मजहब की किताब पढ़ते हैं और आपके हिंदू मजहब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम क़ुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है तो आपको इस पैगाम को कबूल करना चाहिए अगर आपको वक्त चाहिए वक्त लीजिए एक दिन लीजिए दो दिन लीजिए वो भाई को दो दिन चाहिए दो महीना लीजिए बट जब आपको इतमान हो जाएगा कि ये मजहब सही है ये तरीका जीने का सही है तो आपको इसको कबूल करना पड़ेगा तो ही असली तौर पर लोग को पता चलेगा कि आप इस किताब और इस दिन से मोहब्बत करते हैं क्वेश्चन। माइक नंबर वन से काफी देर से मैं देख रहा हूँ भाई खड़े हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि वो सवाल करें वॉट इज़ द पोजिशन इन कुरान ऑन चाइल्ड एडोपन एक मुस्लिम चाइल्ड अडोप्ट कर सकता है क्या भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडोपशन जायज़ है क्या नहीं कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडोप्ट किया जा सकता है कि नहीं अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार माँ का प्यार देना चाहता है बेशक अलाउड है तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना मां का प्यार बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है लेकिन लीगल एडोप्शन अलाउड नहीं है लीगल एडोप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि मां का प्यार दे सकते हैं बाप का प्यार दे सकते हैं लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते बेशक जायज अच्छी बात है एनकरेज किया गया माँ का पैर दीजिए घर में लाओ लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते क्यों क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं मिसाल के तौर पे, अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है उसके अलावा अगर कोई शख्स एक लड़के को गोद लेता है तब लड़का बड़ा होता है बालिक होता है अठारह साल बीस साल का क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है इस्लाम में हिजाब है अगर कोई ना महरम कोई बालिक लड़के के सामने आती है हिजाब करना फ़र्ज़ है तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा तो पहले से अगर बेटे को बोल लेंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूं असली वालदा नहीं हूं और उसको प्यार दो बेशक अलाउड है लेकिन लीगल एडोपन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं मिसाल के तौर पे, जब एक इंसान मरता है उसके मरने के बाद उसकी जायदाद उसकी विरासत का बंटवारा होता है और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में कुरान मजिद में लिखा गया सुरन में सरा नंबर चार आयत नंबर ग्यारह और बारह में किस तरीके से जायदाद किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान एक आदमी मरता है उसकी कोई भी औलाद नहीं है तो उसके बीवी को मिलता है एक चौथा हिस्सा अगर उसके औलाद है तो मिलता है एक आठवा हिस्सा उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं है कोई भी औलाद नहीं है तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है एक चौथा हिस्सा तो अगर हम लीगल एडोपशन करते हैं तो फौरन आपके बीवी को आधा हिस्सा कम मिलेगा तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं आप गोद ले सकते हैं लेकिन लीगल एडोपन नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफी होंगी लेकिन इस्लाम में इसका भी हाल है अगर आप किसको गोद लेते लीगली नहीं लेकिन प्यार देते हैं कोई यतीम को लेते इस्लाम में इजाजत है कि एक तीसरा हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते तो अगर आप किसी को माँ का प्यार बाप का प्यार देते हैं वालिद वालदा का प्यार देते हैं और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं तो मैक्सिमम आप वन थर्ड दे सकते हैं लेकिन विदाउट मैंशनिंग अगर आप लीगल एडोप्शन करते हैं तो आपके बाकी रिश्तेदार और कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा तो इसमें इज डन तो इसके वजह से हिजाब के वजह से इनजस्टिस के वजह से विरासत के वजह से लीगल एडोप्शन इज नॉट अलाउड लीगल गोद लेना अलाउड नहीं लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार बाप का प्यार देना चाहते हैं उसको घर देना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है क्वेश्चन यदि लीगली इफ ही कैन नॉट कैनोट अ एड़। चाइल्ड इफ ए मुस्लिम कैन नॉट एडॉप्ट चाइल्ड एड़। लीगली तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए आज के तारीख में यदि लीगली अडोप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है तो इसमें कोई बदलाव इसमें कोई चेंज इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं अभी अगर लीगल ऑप्शन बच्चे का फायदा होता है तो कुरान में तब्दीली आ सकती है कहने लेकिन मेरे हिसाब से फायदा नहीं होता है और अल्लाह सुबाना व चीज इंसान के लिए फायदेमंद है क्या नहीं है। और ये किताब कुरान मजीद भगवान की खुदा की आखिरी नाजिल की गई किताब है जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है हम हमारे सोच से सोचते हैं कि शराब ये शराब ये क्यों आराम है अभी तो कई फायदे मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूं मैं ये हमारी सोच है लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ता शराब के बारे में वो ज्यादा नुकसानदार है तो इसी तरीके से लीगल एडोप्शन से फायदा नहीं होता ज्यादा नुकसान होता है जब अल्लाह ने ये कहा कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो उनको प्यार दो वो तो जायज कहा गया है ना ये नाम की क्या प्रॉब्लम है नाम नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है तो प्रॉब्लम आप में कुरान में नहीं है आप समझ रहे इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं मैं उनको पैसे दे रहा हूं मैं इसको प्यार कर उसमें प्रॉब्लम क्या है क्योंकि दे कैन बी अदर प्रॉब्लम दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम एंड फर्दर मोर मैं मेरे बीवी से ना इंसाफ भी करूँगा अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूं तो मैं ना इंसाफ भी करता हूं मेरे बीवी के साथ उसकी जायदाद आदि हो जाती है होती है क्या नहीं मैं ना इंसाफी करो मेरी वालदा के साथ मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है तो इसके अंदर किसी से ना इंसाफी ना हो इसीलिए अल्लाह ने कहा प्यार दो मोहब्बत दो लेकिन आज के लोग ज्यादा मानते बनावट में दिखावे के लिए तो अब दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए अल्लाह के लिए करना चाहिए क्वेश्चन भाई साहब अभी ये नाइंसाफी हो जाएगी फिर जाकिर नायक साहब समझा रहे हैं नाइंसाफी के बारे में अगर हम बहनों को मौका नहीं दे तो ये नाइंसाफी होगी मैं बहन से तो गुजारिश करता हूं कि वो सवाल करें आई एम डॉक्टर गीता कदम आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टेस्ट ट्यूब बेबी अ लेडी इज हैविंग ओवेरियन फेल्यूअर सो डिड डिड टेस्ट ट्यूब बेबी इज इट हराम और हलाल Actually, I had an argument with one of my friend, and she said it is haram. So मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है और कहती है कि अगर एक औरत को फेलियर है, और वो टेस्ट बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज़ है क्या नहीं जितने भी मेडिकल जरिए हैं बच्चे पैदा करने के मिसाल के तौर पर इनवेट्रोफर्टिलाईजेशन टेस्ट बेबी जितने भी तरीके है उसमें दो टाइप के तरीके एक होता है होमोजिनस एक होता है मतलब के जो ओवम है बैदा है वो होता है बीवी का और स्पर्म है मनी है शोहर कामोजीनस हाइट्रोजीनस में क्या होता है आप पर्म लेते स्पर्म मैंग में से इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते तो ये हराम है तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो है अगर बैदा है बीवी का ओवम है बीवी का और अगर सीमेंट अगर मनी है शोहर की तो जायज है लेकिन अगर बैंक में से आप लेते हैं दूसरे कोई आदमी का लेते हैं ये हराम है, तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीने है इसमें कोई एतराज नहीं है हेड्रोजीने है तो हराम है सिस्टर भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकते हैं एनी नॉन मुस्लिम ब्रदर और सिस्टर हैज एनी क्वेश्चन

सर्विस करतो इथं पुण्यामध्ये माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितल्यामुळे मी इथं आलेलो आहे ईश्वर एक आहे आला एक आहे मग ही धर्माची विविधता कशासाठी मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय हेच धर्म व्हायला हो पाहिजे तेच धर्म व्हायला हो पाहिजे ईश्वरांनी एकच धर्म निर्माण केला ना मग हे तुम्ही काय करता ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर ईश्वरला धर्म हे केलं असता तर हे विविधता आली नसती ना आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है पैगाम एक है तो ये ये दिगर धर्म क्यों हैं ये इतने धर्म क्यों हैं इसीलिए कुरान मजिद में लिखा है कि अल्लाह सुबहाना व तआला ने एक ही मजहब भेजा है जितने भी किताबों में मज़हब जो लिखा है वो एक ही है ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं ये हम इंसानों ने जितने भी इख्तलाफ है हम इंसान ने किए हैं तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है और वो एक धर्म में लिखा है कि एक ही खुदा एक ही लेकिन मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सिख ईसाई कैसे इस्लाम धर्म सहन आते हाँ भानगड़ा गरज ना हाँ, हाँ। मराठी मुझे समझ जवाब देने आता न भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सिख क्या ये ये भांडर क्यों करना क्यों है? ये करना चाहिए दस ना एकता एक पाइजे तो एकता के लिए तकरीर हो रही है नहीं 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 इसीलिए तो भांडर हो रहा है गड़बड़ हो रही है, है। इसीलिए तो तकलीर कर रहा हूँ अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं नहीं भांडन आसा मानत नहीं देवानी इस्लाम धर्म सन्मा लगा ये आटा पिटा जाता ना हाँ तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो ये आप देखते हैं मिसाल के तौर पे आप तहकी करेंगे आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते ये पानी वाटर जल क्या है सिर्फ पानी का हो ये सगा मानल पा ना पानी कह सकते जल कह सकते पानी कहते हिंदी में जल कहते संस्कृत में वॉटर कहते इंग्लिश में मोया कहते अरबिक में लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकी करेंगे सब मजहब सब धर्म का पैगाम एक ही है वो मिलावट को हटा दो जो है उसके ऊपर अमल करो इसीलिए मैं कहता हूं अगर आपको जितने डॉक्टर साहब आपको जितने समझना है सगरे जर इस्लाम धर्म आते ना ये तुम्हें आटापीटा करा की गरज नीति मन देवा पहले जन्म तिथे घाला का तैयार क्या बोले जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं समझ गया हूं मैं आप ये कहना चाहते है कि आप क्यों कहते है कि इस्लामी सही है नहीं नहीं आप... आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना वो हिंदू मुस्लिम सिख ऐसे ऐसा क्यों हुआ भाई साहब मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूँ आप शायद हिंदी नहीं समझते आ, मैं जवाब देने जा रहा हूँ बीच में बोल रहे अब मैं जवाब देने जा रहा हूँ बीच में बोल रहे आपका सवाल है की अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों है ईसाई सिख बुद्ध इस्लाम क्यों तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं आ, बोलो भगवान ने ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पर पे अमल करो लेकिन जितने भी पैगंबर आए जब ये पैगाम लेके आए उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए, और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए बुध परस्ती गलत है भगवान का बुध नहीं बनाना चाहिए भगवान ने बेटा नहीं जना लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा इस तरीके से एक लाख चौबीस हजार पैगम्बर इस धरती पे आए और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए और आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद तो मैं ये कहता हूं आपसे अगर इख्तलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में कम अज कम उसपे तो अमल करो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आप बोलते सब धर्म के बराबर तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद वसल्लम के बारे में आप क्या मोहम्मद को मानते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब मैं ईश्वर अल्लाह मानते बिल्कुल सही हाँ। आपके किताब में भविष्य पुराना, पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्यय थ्री श्लोका पांच से आठ भविष्य पुराना पर्व थ्री खंड थ्री अध्यय थ्री श्लोका दस से सत्ताईस चैप्टर ट्वेंटी वन ये सब रेफरेंसेज दे रहा हूँ मैं यजुर्वेद के अंदर लिखा है सर्वावेद में लिखा है ऋग्वेद में लिखा है सब में लिखा है आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे माला सांगा मैं सम... आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई साहब एक ईश्वर में मानते हैं आप हाँ एक ईश्वर मानते भी मानता हूँ आप मानते उस ईश्वर में प्रतिमा नहीं, नहीं है नहीं है नहीं है कोई बुत नहीं है नहीं कोई तस्वीर नहीं, नहीं, नहीं है, नहीं है। बस बिल्कुल सही तो पहले में पास है आप पहले स्टेज में आप पास है ये पहले स्टेज में पास है आप तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं उसके आगे आपके धर्म के किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले उस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति उसके वालिद का नाम है विष्णु या दूसरा उत्तर दिया आप सुनिए आपने ते ऐसी माला न का संग हिंसा मान्य है क्या तुम्हाला आप हिंदी में बात करेंगे जरा ये मराठी में लेक्चर नहीं हो रहा है हिंसा मान्य है क्या भाई साहब ये तकरीर हिंदी में हो रही है उर्दू में हो रही है आप मुझे सवाल पूछ रहे आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं वॉयलेंस इस्लाम के मानी है अमन इस्लाम आता है लव्स सलाम से जिसके मानी है अमन इस्लाम धर्म में अमन का आई हिंसा मान्य है क्या आपको अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको तो आप हाँ। बाद में पूछ सकते हैं अगर दूसरा कोई गैर मुस्लिम है जो हिंदी में सवाल करना चाहता है बानो की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकते हैं हेलो सर आई एम डॉक्टर भाग्यश्री आई वॉन्ट टू आस्क यू क्वेश्चन अबाउट द कंडीशन बट आफ्टर द इन मेडिकल फील्ड एनकरेज दोनेशन लाइक आई डोनेशन और लीवर डोनेशन किडनी डोनेशन वट इज द इस्लाम से अबाउट द ऑर्गन डोनेशन सवाल पूछा है इस्लाम की राय क्या है ऑर्गेन डोनेशन के बारे में जिस तरीके से ब्लड ट्रांसम्यूशन करते हैं ऑर्गेन डोनेशन कर सकते इंसान ज़िंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आँख क्या कुछ दे सकते हैं क्या ऑर्गेन डोनेशन के, के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्ष कुरान में नहीं आयत नहीं है कोई हदीस ने जिसमें लिखा है कि ऑर्गेन डोनेशन कर सकता है नहीं कर सकते लेकिन जब हम तहकी करते हैं कुरान के आयतों की और हदीस की और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं इसके अंदर तीन शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गेन डोनेशन जायज है पहली शर्त अगर दो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गेन डोनेट करता है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए मिसाल के तौर पर अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊँगा तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूँ लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास दो किडनी है अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज है दूसरा पॉइंट जो शख्स ऑर्गेन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में और थर्ड कोई भी ऑर्गेन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेंस अगर ये तीनों शराब

मेरा नाम महेश चौहान है रेने को घोरपड़ी गाँव में हो आई टी में जॉब करता हूँ मैं तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो यहाँ पर बहुत अच्छा था लेकिन एक सवाल करता हूँ हिंदुजम में दो क्लास है अपर क्लास और लोअर क्लास तो लोअर क्लास को पहले जमाने में ट्रीटमेंट बहुत बुरा मिलता था तो मैं ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर उन्होंने बुद्धिज्मी क्यों चुना लोअर क्लास के लिए भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हिंदुज्म में दो क्लास है लोअर क्लास हायर क्लास एक्चुअल हिंदुजम में चार क्लास है अपने टॉप और बॉटम को गिना पकड़ता बस हाँ, चार में बहुत दोन है हाँ। लेकिन मैं क्योंकि मजहब का मैं दो कहूंगा तो लोग बोलेंगे मैं हिंदुज नहीं जानता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है अपर एंड लोअर मैं जानता हूँ कि ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्या और शुद्रा है चार क्लास है लर्न क्लास ब्राह्मण जैसा आता है हिंदू मतलब किताब में कि भगवान से सिर से बने ब्राह्मण चेस से बने क्षत्रिया वॉरियर क्लास और पेट या थाइज से बने वैश्या जो है बिजनेस क्लास और फीट से शुद्रा तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने शुद्रा क्लास के लिए बुद्धिज़्मी क्यों चुना बहुत अच्छा सवाल है पहले चीज में ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में कोई भी क्लास नहीं है हाई क्लास और लो क्लास नहीं है उसका जवाब बाद में दूंगा पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने अगर आप उनकी किताब पढ़ेंगे उन्हें सबसे अच्छा मजहब पसंद आया वो इस्लाम उन्हें की दिगर की, सबसे अच्छा पसंद आया इस्लाम लेकिन हम मुसलमानों ने उन्हें अच्छे तौर से स्वागत नहीं किया क्योंकि कई मुसलमान गांव खेड़ में जाएंगे उनको हिंदुज्म का इन्फ्लुएंस हुआ वो भी जात पात में मानते ऊपर जात नीचे जात अफसोस की बात है इस्लाम में कोई भी जात पात नहीं है लेकिन कुछ मुसलमान हिंदू के साथ रह रहे के वो भी कास्टिज्म में मानने लगे आज की तारीख में भी आप अगर गांव खड़े में जाएंगे तो कई मुसलमान जो समझते हैं मैं ऊंची क्लास का हूं और ये मुसलमान नीचे क्लास का है कई जगह जाएंगे मैं शेख हूं मैं सैयद ऊंची क्लास इस्लाम में ऐसा कुछ है ही नहीं इस्लाम में अल्लाह तआला फरमाते सूरह हुजरात में सूरह नंबर फोर्टी नाइन आयत नंबर तेरह में याबाफल जिसके मानिए इंसानों हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया है मर्द और, और, और औरत के और आपको ग्रोहों में बांटे है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको ना कि आप एक दूसरों से नफरत करें और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके पास तकवा है तो इंसान एक क्राइटेरिया से ऊंचा हो सकता है जो आदमी के पास तक्वा है, पार्टी, खुदा अच्छी इबादत करता है खुदा के पैगाम पे अमल करता है वो इंसान ऊंचा है पैसे के मामले से कोई आदमी ऊंचा नीचा नहीं हो सकता है जिन्स के मामले से मर्द औरत ऊंचा नहीं हो सकता है या कलर से सफेद या काला रंग से कोई आदमी ऊंचा या नीचा नहीं हो सकता है ऊंचा आदमी एक ही क्राइटेरिया से हो सकता है अगर वो खुदा की इबादत करे खुदा के पैगाम पे अमल करे वो इंसान ऊंचा हो सकता है लेकिन जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने तहकीक की हमारे मुसलमान ने सही स्वागत नहीं किया तो फिर वो सेकेंड बेस्ट रिलीजन पे गए जो था बुद्धिज्म और आज जो दलित है उन्हें कहते हैं नियो बुद्धिस्ट तो आप बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब की तहकी करेंगे और मैं पढ़ चुका हूँ बाबा साहेब अम्बेडकर की किताबें कई बार लिखा गया है उन किताबों में कि किस तरीके से हिंदू को सही रास्ते दिखाए और हिंदुज़म के बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूँ और ये सही मौका नहीं कहने के बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या लिखा हिंदू किताब के बारे में कि वो मेरा मकसद नहीं है लेकिन मैंने उनकी किताब पढ़ चुकी है तो गलती थी अब मुसलमानों की इसीलिए मैं कहता हूँ ये तकरीर का मौजू वही था दावत या हलाकत अगर आप गैर मुसलमान को इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचाएंगे अल्लाह ताला आपको नष्ट कर देगा अल्लाह ताला आपको हलाक करेंगा तो इस तकरीर का मौजू वही था क्योंकि हम मुसलमानों ने सही तरीके से गैर मुसलमान को इस्लाम नहीं पेश किया और जब बाबा साहेब अम्बेडकर इस्लाम कबूल करना चाहते थे हम मुसलमानों ने उनको सही तरीके से वेलकम नहीं किया सही तरीके से स्वागत नहीं किया इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर गए नेक्स्ट बेस्ट रिलीजन वो है बुद्धिज्म और मैंने इस पे तकरीर भी की है और बुद्धिज्म पे मैंने ये भी कहा गया है कि बुद्धिज्म और इस्लाम में यकसानियत क्या है और इवन आप मान लो बाबा साहेब अम्बेडकर की बात और आप बुद्धिज्म पे अमल करेंगे फिर से आप लौट के बुद्धिज्म में ये भी लिखा है कि एक आखिरी मैत्री आने वाले वो आखिरी मैत्री है मोहम्मद वसल्लम तो आप बुद्धिज्म मान लो कबूल भी किए वो इन बिटवीन फेज है हिंदुजम और इस्लाम का आपको मानने पड़ेगा बुद्धि है कि एक आने वाले है, और वो मैत्री कोई नहीं है लेकिन मोहम्मद तो मान लो जो नीचे क्लास के लोग ने बुद्धिज्म किया अगर बुद्धिज्म के स्क्रिप्चर आप पढ़ेंगे तो आपको मानने पड़ेगा आखिरी पैगमर मोहम्मद कोई सवाल हो तो कर सकते हैं भाई लोग मेरा नाम दुर्गेश सोलंकी है और मैं नॉन मुसलमान से हूँ मेरा सरनेम सोलंकी और रुखी समाज जो भंगी समाज कहते हैं वही समाज से हूँ और मेरे छोटे दो भाई मुसलमान बन गए हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ घर में तो मैं अब मुसलमान बनना चाहता हूँ उन लोगों ने उन लोगों ने मुझे समझाया है कि किस तरह से मुस्लिम है और क्या है मुसलमान बोले तो दहशतवादी मुसलमान नहीं है मेरा सवाल यही है कि आप मुझे कलमा पढ़ने से मैं मुसलमान पक्का किस तरह से बन जाओ भाई साहब आपने कहा कि आपके दो छोटे भाई ने इस्लाम कबूल किया अलहमदुल्ला हमको ग्रेजुएट करते आप कहते कि आप मुसलमान बनना चाहते और किस तरीके से मुसलमान बन सकते पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आप पे किसी ने जबरदस्ती तो नहीं की नहीं नहीं सर नहीं, नहीं जबरदस्ती की माशा like और man. अगर आप कहते हैं दहशतगर मुसलमान दहशतगर मुसलमान जैसी चीज है ही नहीं है हॉट कोल्ड हॉट कोल्ड समझे हॉट कोल्ड है नहीं तो हॉट होता है कोल्ड होता है तो दहशतगर मुसलमान चीज ही नहीं है अगर वो दहशतगर तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है अगर मुसलमान तो दहशतगर नहीं हो सकता है दोनों साथ में मुमकिन ही नहीं है यस यस सर आई लाइक तो आप मुझे बोलेंगे दहशतगर मुसलमान बनाओ तो मैं बोलूंगा मैं तो ना बना सकता हूँ मैं मैं मुसलमान मुसल्म... बनना चाहता हूँ माशा आपको मैं कह सकता हूँ और दहशत गर्दी के बारे में परसू मेरी तकरीर है क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है वो परसों तकरीर करता हूँ लेकिन मुसलमान बनना बहुत आसान है आपको कोई बाकी मजहब में कोई डुबकी लेने की जरूरत नहीं ना कोई धागा बांधने की जरूरत है सिर्फ आप अपने जबान से ये कबूल करेंगे कि भगवान एक है खुदा एक है और उसके सिवा कोई नहीं है और आखिरी पैगम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आप मुस्लिम बन सकते और अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं अरबी में दोहराऊंगा और आप भी दोहराइए आप भाई साहब मानते हैं भगवानी के हाँ हाँ आप मानते हैं कि खुदा एक है हाँ हाँ माशाला आप दे मानते हैं कि आखिरी मोहम्मद पैगम और सर बस ये दो चीज जरूरी है आपने टोपी पहना अच्छी बात है टोपी पहनना फर्ज है मैं भी पहना माशाल्लाह पहने अच्छी बात है लेकिन मुसलमान को टोपी पहनना फर्ज नहीं लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं मुसलमान है, है जैसा मैं दिखाना चाहता हूँ तो अच्छी बात है माशाल्लाह लेकिन वो मैं तो ताज है ना इस्लाम का मैं अरबी में कहूंगा और आप दोहराइए अशद 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 अन्ना अन्ना मोहम्मद मोहम्मद अब्दू अब्दू वसलू वसलू मैं शहादत देता हूँ मैं शादादत देता हूँ मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि एक ही अल्लाह है एक ही अल्लाह है और अल्लाह के अलावा कोई महूद नहीं है अल्लाह के अलावा कोई महूद नहीं है और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लाह सल्ला उसके आखिरी पैगम्बर है उसके आखिरी पैगम्बर माशा आप मुसलमान हो गए माशा मुबारक वेलकम वेलकम मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारे मुसलमान में कोई भी ऊंची नीची जाति नहीं है पैसे से आप ऊंचा नीचा नहीं हो सकते धन से नहीं हो सकते रंग से नहीं हो सकते खाली ऊंचा नीचा वो इंसान है जो भगवान को ज्यादा मानता है जो खुदा को ज्यादा मानता है जितना आप खुदा के पैगाम पे अमल करेंगे उतने अच्छे मुसलमान आप है शुक्रिया सर शुक्रिया तकबीर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूं इस्लाम पे जो अमन का धर्म है यस। yes, मुबारकबाद देता हु अकबर अल्लाह अकबर। बहनों की तरफ से प्लीज आप भी एक बहन कलमा पढ़ना चाहती है डॉक्टर साहब के हाथ से मेरे साथ में सलाम वालेकुम सर

काफ़ी करोड़ों लोग पीस टीवी टी को देख रहे हैं। और अक्सर तकरीर के बाद कई गैर मुसलमान जब जानने लगे इस्लाम क्या चीज़ है इस्लाम की सही तालीमत क्या है तो अलहमदल अलहमद कई लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। और जब लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुआ था बॉम्बे में अलहमदिल्ला आखिरी दिन लाखों का मजमा था और आखिरी दिन अलहमदल सुब अलहमदल्लाबहाना व ते गैर मुसलमान को हिदायत दी मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी तकरीर से कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है अल्लाह हिदायत देता है और हम देखते हैं कि एवरी थिंग इज़ लाइफ एवरी थिंग इज ओपन हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते हम पैगाम पहुंचाते आपको पसंद आता है तो कबूल करो नहीं पसंद आता तो भी हमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन इंटेलिजेंस मुझसे पूछती है कि कोई शख्स थे जो लोग ने कबूल किए मैं ये भाई साहब को कभी पहले देखा ही नहीं ना यह भिन को कभी देखा हूँ शायद उनने मुझे टीवी पे देखा है और हम किसी को जबरदस्ती नहीं करते लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब लोग को सच्चाई मालूम पड़ती है इस्लाम का जो पैगाम मिलता है अमन का तो उनमें जो जज्बात बाहर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और वो कबूल करते हैं तो मुझे इंटेलिजेंस ने पुणे में आने के पहले क्या था कि देखो आप मुसलमान बनाओ लेकिन पब्लिक पे मत बनाओ तो मैंने उससे कहा कि भाई किसी को मुसलमान बनाता नहीं हूं वो भगवान बनाता है वो भगवान हिदायत देता है खुदा हिदायत देता है और अगर कोई शख्स बनना चाहता है तो मेरी गवर्नमेंट ने रोकती मेरी कंट्री ने रोकती तो मैं कैसा रोक सकता हूं हिंदुस्तान वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज बहुत कम मुल्क है जिसमें इतने राइट है और हिंदुस्तान में हर सिटीजन को ही राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन उसको हक है कि अपने दीन के बारे में प्रचार करे उसके ऊपर अमल करे और उसको प्रोपोगेट करे कोई रोक नहीं सकता है और कोई भी अगर इंसान कोई भी धर्म कबूल करना चाहता है उसको बिल्कुल इजाजत है लेकिन जबरदस्ती कोई किसी को कोई भी मजहब में दाखिल नहीं कर सकता है तो जी मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती है जी मैं दिल से इस्लाम माशा बहुत अच्छी बात है माशारी माशारी बाते। बाते। आप मानते हैं कि खुदा एक है जी हाँ आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर इस खुदा के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हाँ तो इनशाला मैं अरबी में कहूँगा जो कलमा और, और फिर इलाहा। इल्लाला इल्लाला। वाच्छदु वाच्छदु अन्ना अन्ना रसूल मैं तर्जुमा करूंगा अर अल्हा अशद अल्लाह अल्लाह वना अन्ना मोहम्मदर रसूल रसूल मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई भी महबूद नहीं है कोई भी महबूद नहीं है और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लम उसके आखिरी पैगंबर है उसके आखिरी पैगम्बर है माशा आप मुसलमान है। हैं से दुआ करता हूँ कि इस बहन को और इस भाई को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत नसीब फरमाए और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जो भी यहाँ गैर मुस्लिम हैं आप इनशा इस्लाम का पैगाम सुनिए यह पैगाम अमन का है अक्सर मीडिया कहती है क्या ये दहशतगर्द मजहब है अक्सर मीडिया कहती है कि इस रिलीजन में वायलेंस है जिसको इंशाल्लाह मैं टच करूँ आखिरी दिन पे। आतंकवाद क्या मुसलमानों की विरासत है और इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इस्लाम में कोई भी किसी को ज़बरदस्ती तलवार के ज़ोर पर या बंदूक के बल पर किसी को कबूल नहीं करा सकते ये इस्लाम में हराम है कुरान में लिखा गया है लाइक राफ़ के कोई भी दीन में ज़बरदस्ती नहीं कर सकता और मैं कॉन्ग्रेजुलेट करता हूँ मुबारकबाद देता हूँ इस भजी को और भाई साहब को और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनको इनशा कबूल करे और इनके अमान में इन शरक्की हो और ये अपने खानदान में इस अमन को फैला सके मैं इस्लाम में कही गई काफ़ी बातें फॉलो करती हूँ नमाज पढ़ती हूँ रोजे रखती हूँ लेकिन ट्रबल कम्स इट कम्स टू टू म्यूजिक और वॉचिंग टू म्यूजिक मैंने सवाल किए कि मैं कुरान पढ़ती हूँ मैं नमाज़ पढ़ती हूँ लेकिन प्रॉब्लम है जब म्यूज़िक सुनती हूँ क्या जायज़ है कहने क्या पिक्चर देखना जायज़ है कहने कुरान में लिखा है कि आप मोटे मोटे हराम काम से दूर रहो इनशा अल्लाह ताला आपके साथ है क्योंकि आप अभी नौ मुस्लिम हैं आस्ते आस्ते आप अगर सलाह पढ़ती अलहमदिल्ला सबसे अहम बात है कि मानना चाहिए खुदा में उसके बाद सलाह जवाब पढ़ती है माशा उसके बाद ज़कुआत कि आपको शायटी देना है उसके बाद रोजा है बाकी चीज़ें कई चीज़ें इस्लाम में आप इन जो अहम चीजों को पहले फॉलो कीजिए उसके बाद आप बाकी चीज पर भी आ सकते लेकिन क्योंकि आपने मुझसे सवाल किया कि म्यूजिक सुनना अलाउड है क्या नहीं अल्लाह के रसूल की हदीस है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एक्सेप्ट फॉर डफ डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है और ये आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं तो इस पस मंज़र के हदीस के पस मंज़र में म्यूज़िक सुनना सही बात नहीं है लेकिन आप क्योंकि अभी नौ मुस्लिम हैं जो चीज़ अहम बातें हैं उसके ऊपर पहले आप अमल कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप में इतना तकवा है कि मैं छोटी छोटी बात पे भी अमल करूं, तो बेशक अब आप जानना चाहते हैं कि म्यूज़िक से दफ़ के अलावा बाकी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है और मूवी वो मूवी जो हराम मूवी है वो देखना नाजायज़ है टीवी देखना नाजायज़ नहीं है लेकिन टीवी पे गलत चीज़ देखना परियान की ऑप्शनिटी ये देखना हराम है लेकिन अगर आप अच्छा टीवी पे लेक्चर देखते अच्छा इस्लामिक लेक्चर देखते तो वो गलत नहीं है तो गलत चीज़ देखना हराम है अच्छी चीज़ पिक्चर पे देखना जायज़ है जो चीज़ शरीयत के खिलाफ नहीं है वो चीज़ देखना जायज़ है जो तो शरीयत के खिलाफ है वो हराम है Hope to the मेरा नाम अरुण पवार है आपको जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपके हाथ में आपका जीवन है वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे इसी बात पे आप जोर दे दो उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है एक उन्होंने उदाहरण दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके हुए फल का भोजन करो जो फल झाड़ ने छोड़ दिया है तो आपके ऊपर कोई जंजीरें नहीं आएंगी जो फल जो है वो झाड़ कभी वापस नहीं लेता उन्होंने तो छोड़ दिया है वही फल का भोजन करो यहाँ तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे नरक में जाएंगे भगवान के पास जाएंगे भगवान यहाँ आएंगे इसकी कोई चिंता ही नहीं है आपको आपको आपका जीवन उच्चतम महानतम बनाने की यही चिंता होनी चाहिए तो आप इस पे गौर करो भाई साहब ने सवाल किया है कि भगवान बुद्ध ने ये कहा है भगवान बुद्ध ने ये कहा है भाई साहब कोई भी बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही नहीं सुना है बुद्ध को जानता हूँ मैं बुद्धा को जानता हूँ भगवान बुद्धा को नहीं जानता हूँ वो आप कहते तो आप अगर गलत कहते तो मैं क्यों मानूं? क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे बुद्धा की तालीमत पढ़ेंगे बुद्धा ने कभी भगवान का जिक्र ही नहीं किया बुद्धा ने कभी भी ईश्वर और भगवान का जिक्र नहीं किया क्यों तो बुद्धि कॉलर ये कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में इस धरती पे इतनी बुसपरस्ती थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे उनने ये भी नहीं कहा कि भगवान है और यह भी नहीं कहा कि भगवान नहीं है तो आप अगर बुद्धा को भगवान बना दिए तो प्रॉब्लम है भाई साहब यानी आप बुद्धा की टीचिंग्स को पढ़े ही नहीं जिस तरीके नहीं। से बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया और आपने बुद्धा को भगवान बना दिया उसी तरीके से धर्म में कई धर्मों में तब्दीली आई चाहे वो ईसाई धर्म हो बुद्ध धर्म हो चाहे वो जुडाइजम हो जिस तरीके से आप कहने लगे लोग ने अपने मन से कहने लगे और सही तालीमात को छोड़ दिया तो भाई साहब पहले भगवान के बारे में तहकी करो और बुद्ध ने क्या तालीमत दी उसकी तहकी करो आपने बुद्ध को भगवान बना दिया ये बिल्कुल गलत है और आप देखते हैं कि दलित लोग और बुद्धिस्ट लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा मेरा बुद्ध बनाओ बुद्धा ने कभी भी नहीं कहा ये क्या हो रहा है ये इन्फ्लुएंस और बाकी मजहब का इन्फ्लुएंस, बाकी धर्म का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है तो बुद्धा के अगर टीचिंग्स पढ़ेंगे बुद्धा ने कहा कि देर आर फोर ग्रेट ट्रुथ्स चार हक बातें हैं, सबसे पहली वक्त का में सिर्फ दो तीन मिनट है दस बजने को पहला हक है कि इस धरती पे देर इज लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड ये धरती पे कई चीज है जो अफसोस करने के लायक है सौरोज है मुश्किल है नंबर टू इस धरती पे डिजायर है ख्वाहिश है नंबर थ्री ये धरती से सौरोज को निकाला जा सकता है जब आप ख्वाहिशों को निकालते हैं और नंबर चार अगर ख्वाहिश को निकालना है तो एथ फोल्ड पाथ के ऊपर अमल करो वक्त कम होने की वजह से पहले थ्रुत को मैं मानता हूं इस धरती पे सौरव है दूसरे थ्रुत को भी मानता हूं लोगों में ख्वाहिश है तीसरा थ्रुत है कि अगर तो आपको शौर निकालना है तो ख्वाहिशों को निकालिए चौथा है कि अगर तो आपको ख्वाहिश को निकालने का है तो एथ फोल्ड पाथ फॉलो करो और तीसरा और चौथा थ्रुत कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है तीसरे थ्रुत में कहा गया है कि आप ख्वाहिशों को निकालो और चौथा थ्रुद में कहा गया है कि फोल्ड पाथ पे अमल करो अगर आप ख्वाहिश को निकाल देंगे तो एथ फोल्ड पाथ पे अमल करने की ख्वाहिश रहेंगी नहीं तो देर इज अ फैलेसी ऑफ लॉजिक वक्त कम होने की वजह से आप मेरी तकरीर सुन सकते हैं मेरी स्क्रिप्चर्स जिसमें बुद्धिज्म का जिक्र किया है इसीलिए बुद्धा ने भगवान के बारे में जिक्र नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तैयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है क्वेश्चन तो आज की नशिश यहीं पर खत्म होती है जजाकल्ला खैरन